इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन 100% आना है, ठीक है? एक या दो, मिनिमम एक, मैक्सिमम दो। और बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था लगभग उतना ही बड़ा है, ठीक है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जितना था लगभग उतना ही मान सकते हैं, उसमें से भी एक या दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, इसमें से भी एक या दो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा था, ठीक है, वैसे ही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को भी समझना है और डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने पढ़ा था कि जैसे यहां पर ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं उन्हीं को काउंट कर लो तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर दिस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफाइन कैसे करते थे, ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन कैलकुलेट कैसे करते थे? कैलकुलेट करने के लिए फाई इक्वल टू था हमारे पास जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई लेते थे, ठीक है? एक छोटा सा एरिया है मान लीजिए डी एस और ई डी एस के बीच में एंगल अगर थीटा बन रहा है तो ई डी एस कॉस थीटा ले लेते थे, यही था फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये किस में था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो ऐसा ही हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे कि कोई पर्टिकुलर एरिया ले लिया जाए और ये इसका नॉर्मल हो गया एरिया का डी एस वेक्टर, ठीक है? और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डी एस वेक्टर के साथ कोई एंगल बनाती हुई थीटा एंगल पर ऐसे पास हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस एरिया का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है? एरिया भी क्या होता है? वेक्टर होता है कि नहीं होता? एरिया वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, जहां पर ऑब्जर्वर है उसकी तरफ। तो ये नॉर्मल हो गया एरिया का। अब एरिया के नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बना? थीटा। तो फिर इस एरिया से लिंक्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू, जैसे ई डी एस कॉस थीटा था वैसे हो जाएगा बी डी एस कॉस थीटा। और इसी को फिर लिखते हैं हम फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है? ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमें डिफाइन करना था। तो यूनिट क्या होती है इसकी? वेबर, ठीक है? ऐसा यूनिट है ये वेबर, और सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल। तो वेबर होती है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, राइट? तो एक तो ये हमने समझ लिया। अब क्या होता है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, यहीं से इसकी शुरुआत होगी। अब थोड़ा सा अगर देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके नेम में क्या क्या छुपा हुआ है? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म की हेल्प से, ठीक है? इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिज्म की हेल्प से किसी इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, यह कहलाता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या EMI। तो ये सबसे पहले दिमाग में आया था किसके? फैराडे के। फैराडे ने ये सोचा था कि आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी आयरन के अंदर या किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्रिएट कर लेते हो। मींस एक छोटा सा आयरन पीस ले लो, वो पहले मैग्नेटाइज नहीं था,
उसके ऊपर एक वायर लपेट दीजिए और उसमें करंट फ्लो करा दो, ठीक है। तो अगर वायर लपेट दिया, ऐसे सोलेनोइड बना लिया और सोलेनोइड के अंदर एक आयरन पीस रख दिया जो कि पहले से मैग्नेटाइज नहीं था, और जैसे ही हम आयरन पीस पे जो वायर लपेटा गया है उस पर करंट फ्लो करें, तो सोलेनोइड के अंदर क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसका मतलब वो आयरन पीस उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ माना जाएगा। वो हो गई एच, जो पिछले टर्न पर देखा था। एच के अंदर, एच मतलब क्या था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड है। तो उसके अंदर एक आयरन का पीस रखा हुआ है, तो वो आयरन का पीस भी क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, और उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसको हम फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बोलते थे। तो ऐसा फैराडे ने सोचा कि अगर ऐसा हो सकता है तो दुनिया में जो भी हो रहा है उसका रिवर्स भी पॉसिबल है, ऐसा उनके दिमाग में रहा। तो उनका इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके अगर हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो ज़रूर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी बनती होगी। तो उसके बारे में वो ज़्यादा काम करने लगे। तो फिर क्या हुआ कि पहले फ्लक्स तो डिफाइन हो ही गया था, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट ये किया फैराडे को ने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट ली, ये ले ली मैग्नेट, SN मैग्नेट हो गई। एक ले ली कॉयल, और कॉयल में नंबर ऑफ टर्न कुछ तो भी ले लिए, बढ़ा दिए कम कर दिए वो अलग है। और उन्होंने इस कॉयल के से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। यहाँ गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेगा? करंट को मेजर करेगा। अब S और N ये दो पोल हो गए मैग्नेट के, आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर कहीं निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी। तो उन्होंने ये किया कि इस मैग्नेट को इस कॉयल के अंदर रख दिया, पहले रख दिया केबल। तो उन्हें सोचा शायद इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर पाए। अगर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये मैग्नेट क्या बना रही है, इसके अंदर करंट बना रही है। लेकिन बहुत समय तक ये मैग्नेट इसके अंदर रखी रही, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। तो उनको लगा कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी हो सकती है। तो उन्होंने इस जो मैग्नेट है, ये शुरुआती बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने EMI को जैसे सोचा था, तो उन्होंने फिर मैग्नेट का साइज बढ़ा लिया कि स्ट्रांग मैग्नेटिक रख के देखो, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा हो सकता है कि इस कॉयल में गड़बड़ी हो, तो कॉयल का साइज बदल के देखा, नंबर ऑफ टर्न बदल के देखे, एरिया बदल के देखा, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही थी इस मैग्नेटिक कारण, लेकिन इसमें करंट नहीं बन रही थी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने इनका ओरिएंटेशन चेंज किया। ओरिएंटेशन मतलब कि इसको पहले ऐसे रखा, फिर इस तरह से हर डायरेक्शन में रख के देख लिया, लेकिन वो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो उनको गुस्सा आई, दोनों को फेंक दिया उठा के, बोले एक्सपेरिमेंट ही बेकार। लेकिन जिस समय वो फेंक रहे थे, ठीक उसी समय इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। तो तब उनका दिमाग जो है एकदम स्विच ऑन हुआ। उनका ऐसा होता है कि इसको रखने से कुछ नहीं होगा, फेंकने से कुछ होगा। फेंकने से मतलब कि इनमें कहीं ना कहीं मोशन होना चाहिए, तब जाकर के इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। तो उन्होंने दोनों को एक साथ चलाया, इधर ऐसे जैसे झुलाते हैं, तब डिफ्लेक्शन नहीं मिला। तो जब अलग अलग मूव कराया तो डिफ्लेक्शन मिला। तो फिर उन्होंने रूल बना लिए, लॉ बना लिए, और लॉ ये बना कि जब कभी भी मैग्नेट और कॉयल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, कैसा होता है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से चले। तो जब कभी भी मैग्नेट और कॉयल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो इस वायर में, इस कॉयल के अंदर EMF इंड्यूस्ड होता है। और अगर ये कॉयल क्लोज्ड है
तो उसमें इंड्यूस करंट भी बनती है, यहां से शुरुआत हुई। लेकिन फिर इसी को उन्होंने मॉडिफाई किया, इस रूल को, इस लॉ को क्या मॉडिफाई किया, उन्होंने कहा कि फिर पहला लॉ बनाइए, तो एक्सपेरिमेंट हो गया मैग्नेट और किसका कॉइल के साथ, ये तो उनका एक एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन फिर जरूरी नहीं है कि मैग्नेट ही लो, जरूरी नहीं है उनका कॉइल ही लो। फिर एक नया जो लॉ बनाया जिसको फैराडे फर्स्ट लॉ कहते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ ये है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो वहां पर दो पॉइंट अगर इमेजिन कर लिए जाएं जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उन दो पॉइंट के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड जरूर होता है, ठीक है। और वो तो दो पॉइंट से अगर एक वायर जुड़ा हुआ हो और वो वायर क्लोज हो जाए, कंप्लीट सर्कल सर्किट बना ले, तो उसमें इंड्यूस करंट भी बन जाती है। तो पहला लॉ जो अपने को याद करना है, फैराडे फर्स्ट लॉ, वो क्या है? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ठीक है। ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा ही। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है कि ईएमएफ बनाने के लिए, ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, आप ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए आपको कॉयल का मटेरियल कैसा है, मतलब वो कंडक्टर है नॉन कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, इसकी जरूरत नहीं है। ईएमएफ तो 100% इंड्यूस्ड होगा ही। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ईएमएफ इंड्यूस के लिए क्या चाहिए? केवल और केवल चेंज इन फ्लक्स चाहिए, ओनली चेंज इन फ्लक्स चाहिए। ये फैराडे फर्स्ट लॉ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वो कहते हैं कि इसके चेंज इन फ्लक्स के। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो वो कहते हैं कि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है तो वो फिर सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होगा द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। तो एक सेकेंड लॉ ये बना कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। रेट का मतलब टाइम के साथ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। पहला लॉ क्या कहता है? अगर चेंज इन फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है। जब पहला लॉ ये बताता है कैसे होगा और सेकेंड लॉ ये बताता है कि कितना होगा, ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होना है। सेकेंड लॉ ये बताता है कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इसको ई से डिनोट करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। बाद में फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाया गया और एक कॉन्स्टेंट आया, वो कॉन्स्टेंट माइनस वन लिया, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये जो माइनस साइन लिया ये फैराडे ने नहीं लिया, ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू फैराडे ने नहीं निकाली, ये लेंज ने निकाली। कि लेंज ये कहते हैं कि यहाँ पर माइनस साइन आना चाहिए, और माइनस साइन इसलिए आना चाहिए, वो और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है ईएमएफ, उसके अपोजिट आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है उसके जस्ट अपोजिट आता है ईएमएफ की डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर माइनस आना चाहिए। अब कैसे इसको, ये तो खैर लॉ हो गया, लेकिन हमें अप्लाई कैसे करना है लेंज लॉ, वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। तो दो पांच बातें अभी शुरुआत की बता देता हूँ एक बार फिर से। फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने क्या बताया बोलो? सबसे पहले ये हमने एक मैग्नेट ली, एन और एस, और यहाँ पर कॉइल ले ली। तो वो कहते हैं अगर हम, देखो इधर, अगर हम नॉर्थ पोल को इस कॉइल के पास में लाएं, कॉइल रेस्ट में है लेकिन मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास में आता है, तो उन्होंने देखा कि रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसमें ईएमएफ बनेगा, और कॉइल क्लोज्ड है तो क्या बनेगी, करंट भी बनेगी। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है,
कि अगर ये नॉर्थ पोल है जिस साइड से हम ये नॉर्थ पोल इधर ले जा रहे हैं, उसी नॉर्थ पोल की साइड से हम देखें अगर इसको, तो हमें ये वाला एंड भी नॉर्थ पोल ही दिखेगा। मतलब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी होगी कि अगर नॉर्थ पोल को हम पास में ले जा रहे हैं तो उस कॉइल में वो वाला एंड नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल बनाने के लिए करंट कैसे चाहिए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए इधर से देखने पर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो होगी। फिर वो कहते हैं कि अगर हम इसी को दूर ले जाते हैं एस और एम, जब दूर ले जाएंगे तो जो नॉर्थ दूर जा रहा है, ये एस और एन है, ये दूर जा रहा है इधर और वही कॉइल है, तो उस केस में फिर अब ये साउथ बन जाता है, साउथ के लिए क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब नॉर्थ को कॉइल के पास में ला रहे हैं तो कॉइल में वो नॉर्थ बनेगा, दूर ले जा रहे हैं तो साउथ बनेगा, ठीक है, उल्टा होता है ये। फिर उनको कहते हैं कि अगर ये कॉइल दोनों मैग्नेट को पास में रखें, तो ये दोनों मैग्नेट को रेस्ट में रखें लेकिन कॉइल को दूर ले जाएं या पास ले जाएं, तब भी यही रिजल्ट मिलते हैं। मीन्स अगर हम मैग्नेट को रेस्ट में रखें, नॉर्थ पोल रेस्ट में है लेकिन कॉइल को हम नॉर्थ पोल के पास में ला रहे हैं, तो नॉर्थ वाले पास में जो ये सरफेस होगा उस पे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, दूर ले जाओगे तो साउथ बनेगा, ठीक है। ये पहला लॉ, पहला एक्सपेरिमेंट का रूल है, तो यही आपके नोट्स में लिखा है, आप देखेंगे, वेन एवर मैग्नेटिक पोल्स एन और एस मूव्स टूवर्ड्स कॉइल, सेम टाइप ऑफ पोल्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड मैग्नेटिक पोल्स एन और एस मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, अपोजिट टाइप ऑफ पोल्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। फिर है गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन वेन एवर मैग्नेट इन मोशन अदरवाइज डिफ्लेक्शन इज डिसअपीयर्ड। मैग्नेट अगर मोशन में है तभी क्या होगा, डिफ्लेक्शन में, तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, हायर द वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट मोर इज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब रिलेटिव मोशन बहुत तेज हो रहा है, बहुत हाई स्पीड से हो रहा है, तब भी ईएमएफ भी ज्यादा मिलता है और करंट भी ज्यादा मिलती है, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा ही मिलेगा। फिर अगला पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अच्छा, एक और पॉइंट है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इंक्रीज। अगर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो तो भी ईएमएफ ज्यादा मिलेगा और करंट भी ज्यादा मिलेगी। या इस कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का पीस रख दो, सॉफ्ट आयरन रख देंगे तब भी ईएमएफ ज्यादा मिलेगा और करंट भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सॉफ्ट आयरन रखने पर और ज्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उससे अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल सर्किट इज इंक्रीज देन डिफ्लेक्शन और करंट इज डिक्रीज। रेजिस्टेंस अगर बढ़ा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन और करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस से ध्यान रखना, रेजिस्टेंस पर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस पर करंट डिपेंड करती है, ठीक है। ईएमएफ तो रेजिस्टेंस कुछ भी हो सेम रहेगा, लेकिन ईएमएफ लेकिन करंट इस पर डिपेंड करेगी ओम्स लॉ से। तो ये एक्सपेरिमेंट है। अब आते हैं फैराडे ने जो कहा, वो डार्क में लिखा हुआ है, आप देखोगे, वेन एवर रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉयल एंड मैग्नेट टेक्स प्लेस एन इंड्यूस्ड एंड ईएमएफ इंडक्शन इन कॉयल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉयल, इफ द कॉयल इज क्लोज्ड देन सर करेंट एंड चार्ज आर ऑल्सो इंड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आता है फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। पहला, फैराडे को फाउंडर ऑफ ईएमआई भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, फॉर ए कॉयल और सर्किट एंड ईएमएफ इंड्यूस इन इट एंड रिमेन्स इन इट टिल द चेंज इन फ्लक्स टेक्स प्लेस। सेकेंड लॉ क्या बताया, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स। तो पहला है फैराडे लॉज, पहला है फर्स्ट लॉ,
फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी चेंज इन फ्लक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेनेवर चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद ई इक्वल टू आता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये माइनस साइन दिया था लेंज ने, ठीक है। और लेंज ये कहते हैं कि ये माइनस साइन क्या बता रहा है बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये इतना ही लिख लो बस, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन किस पर, नेचर ऑफ कॉइल दैट इज रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस बात पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना ये थ्योरेटिकल पॉइंट बनेंगे। सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ कॉइल मैग्नेट सिस्टम, कॉइल मैग्नेट सिस्टम की जो रिलेटिव स्पीड है उस पर डिपेंड करेगी। थर्ड, मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी, वो रिलेटिव वेलोसिटी है वी आर, ठीक है। ई डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस पर, लेकिन ई डिपेंड करता है रिलेटिव वेलोसिटी पर। फिर लेंज लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ये आगे सीखेंगे जब लेंज लॉ पढ़ेंगे पूरा, तो अभी याद रखें लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अगला पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इन एनी कॉयल और सर्किट इज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ, ठीक है। किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉयल में जो करंट बनेगी उसकी डायरेक्शन हम अभी निकालेंगे लेंज लॉ की हेल्प से। और ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स आपने अभी देखी थी, वेबर थी उसकी फ्लक्स की। चलो अब अपन देखते हैं किस तरह से इनको अप्लाई करना है। मिटा दूं, अब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सच अ वे दैट इट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ, विच प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ, विच प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बात ये हो गई कि लेंज लॉ क्या कहता है कि किसी सर्किट के अंदर, किसी कॉइल के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसी होती है कि वो उस कॉज का अपोज करती है जिस कॉज के कारण खुद प्रोड्यूस हुई है। किसके कारण प्रोड्यूस हुई है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, तो वो उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण का ही अपोज करेगी, उसको कहेंगे लेंज लॉ। अब अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन देखते हैं, हाउ टू अप्लाई यही समझना है। तो तीन स्टेप में हम लेंज लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला लॉ, सबसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट होता है कि आप मेन फील्ड के बारे में सोचें, थिंक अबाउट मेन फील्ड। मेन फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मेन फील्ड कैसी है, क्रॉस टाइप है और
डॉट टाइप है। मेन फील्ड के बारे में आप विचार करो, देखो, ऑब्जर्व करो कि मेन फील्ड कैसी है, क्रॉस टाइप बन रही है या डॉट टाइप बन रही है। फिर सेकंड, मान लीजिए डिसाइड हो गया कि ये क्रॉस टाइप है, ठीक है, मैं एक लेके चल रहा हूं। अब जैसा इसके लिए रिजल्ट आएगा उल्टा डॉट के लिए आएगा। तो मान लो सपोज इट इज क्रॉस टाइप, तो फिर ये देखना है कि जो क्रॉस हैं वो बढ़ रहे हैं और ये कम हो रहे हैं, मतलब ये जो क्रॉस टाइप फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप आती है, मान लीजिए क्रॉस इंक्रीज हो रहे हैं, सपोज क्रॉस इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजेस मींस मेन फील्ड इंक्रीज हो रही है जो ये क्रॉस टाइप थी। जब मेन फील्ड इंक्रीज होगी तो उस मेन फील्ड में एक कॉइल रखी होगी, उस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उसी कॉइल में क्या इंड्यूस्ड होगी, करंट इंड्यूस्ड होगी। तो वो करंट की डायरेक्शन ही तो देखनी है, समझ रहे हैं। सबसे पहले कोई कॉइल हमने किसी फील्ड के अंदर रख दी, अब वो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक कॉइल रखी हुई है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो उस कॉइल के अंदर वो कॉइल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितने भी समय के लिए रखी रहने दो, उस कॉइल में कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके से चाहे आप उस कॉइल का एरिया कम करो, एरिया बढ़ाओ, या मैग्नेटिक फील्ड को खुद जो है कम ज़्यादा करो मेन फील्ड को, तो अगर वो मेन फील्ड क्रॉस या डॉट टाइप है और वो मेन फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और वो टाइम के साथ जितना चेंज हो रहा है उससे तो ईएमएफ आ जाएगा। और जिस अगर कॉइल क्लोज्ड है उसका रेजिस्टेंस भी है तो करंट भी इंड्यूस्ड होगी। तो हम यहाँ से स्टेप फॉलो करेंगे, पहले मेन फील्ड ढूंढो, फिर वो मेन फील्ड बढ़ रही है कम हो रही है वो देखो, फिर मान लो ये क्रॉस हमने ढूंढ ली, क्रॉस बढ़ रहे हैं, तो क्रॉस के बढ़ने का अपोज लेंज लॉ कहता है कि डॉट से होगा, किससे होगा, डॉट से। तो उस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वहां पर क्या प्रोड्यूस हो, डॉट प्रोड्यूस, और डॉट के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्रॉस इंक्रीज हो रहे हैं तो इन कॉइल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, दैट इज वो डॉट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये तीन स्टेप हैं। अब जरा और सोचो, मान लो कि फील्ड क्रॉस टाइप है, देख ली कि क्रॉस टाइप है और क्रॉस इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहे हैं, तो बोलो क्या होगा, क्रॉस डिक्रीज होंगे तो अपोज करने के लिए डॉट बनेगा या क्रॉस ही बनेगा, क्रॉस ही बनेगा। अगर क्रॉस मेन फील्ड क्रॉस टाइप है और वो डिक्रीज हो रही है तो उसमें अगर एक कॉइल रखी हुई है तो उस कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी होगी कि वो इस डिक्रीज होने का अपोज कर सके, तो क्रॉस डिक्रीज हो रहा है तो क्रॉस ही बनना चाहिए, और इन द कॉइल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फिर क्लॉकवाइज हो जाएगी, मतलब क्रॉस टाइप बनेगी। अब इधर से सोचो, मान लो मेन फील्ड डॉट टाइप है और डॉट इंक्रीज हो रहे हैं, डॉट इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होनी चाहिए, क्रॉस टाइप, क्रॉस के लिए क्लॉकवाइज। और डॉट अगर इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो रहे हैं तो डॉट ही बनेगा। तो अगर एक लाइन में समझना चाहो तो सिंपल है, क्रॉस है या डॉट है वो तो देखते ही समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में डायग्राम बना होगा तो समझ में आ जाएगा ये डॉट है या क्रॉस है। या अगर वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसकी फील्ड निकालनी है, तो डॉट और क्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड में आसानी से देख चुके हैं, किधर डॉट बनती है किधर क्रॉस बनती है। केवल आपको ये देखना है कि ये डॉट बढ़ रहे हैं, अगर डॉट बढ़ रहे हैं तो डॉट की जगह क्या बनना चाहिए, क्रॉस, डॉट कम हो रहे हैं तो डॉट ही बनेगा, क्रॉस बढ़ रहे हैं तो डॉट बनेगा, क्रॉस कम हो रहे हैं
तो क्रॉस बनेगा, बस सिंपल है। बढ़े तो अपोजिट, घटे तो सेम, ठीक है। इसी को देखते हुए अब हम क्वेश्चंस करते हैं और आप लोग जवाब देते जाना, इसको नोट कर लो। हाँ चलिए क्वेश्चंस लिखें, कुछ डायग्राम बना रहा हूं और उनमें एक कॉइल बना रहा हूं और आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, ये है आई करंट का करंट कैरिंग वायर। इसके लेफ्ट साइड में, इसके राइट साइड में हमने एक स्क्वायर कॉइल रख दी, ऐसी कोई कॉइल रख दी। लेफ्ट साइड में भी हमने एक कॉइल रख दी है। ये कॉइल नंबर वन, ये कॉइल नंबर टू, और ये जो करंट है ये वाली, ये करंट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस। वायर में करंट इंक्रीज हो रही है और उसके दोनों तरफ दो कॉइल रखी हुई हैं, तो दोनों कॉइल में क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? आपको तीन जवाब देने हैं। क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? नंबर एक। क्या करंट इंड्यूस होगी? नंबर दो। नंबर तीन, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, तो चलो सबसे पहले पहली कॉइल में देखें। ये रेस्ट में है, सब कुछ रेस्ट में है, इसमें करंट जो है वो बढ़ रही है, करंट इंक्रीज हो रही है। एक मैं बता देता हूं, फिर बाकी के आप करिएगा कैसे करना है, ये मेथड समझ में आ जाएगी। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या था, थिंक अबाउट मेन फील्ड। मेन फील्ड का मतलब है जिस, ये कॉइल जिस फील्ड में रखी है उस फील्ड के बारे में सोचो। तो यहां कोई फील्ड बनेगी क्या? इस वाले तार के कारण बनेगी यहां फील्ड। करंट ऊपर जा रही है तो ये ऐसे राइट हैंड रूल लगाओ, उसको पकड़ो तो ये फिंगर्स इस जगह अंदर जाएंगी, तो मतलब क्या बनेगी? क्रॉस फील्ड बनेगी। तो ये क्रॉस फील्ड बन गई, ठीक है, ये क्रॉस फील्ड हो गई। इधर क्या बनेगी? डॉट। तो ये डॉट फील्ड हो गई, ये डॉट फील्ड है। तो ये मेन फील्ड हुई इस वायर की राइट साइड में, और वायर के लेफ्ट साइड में मेन फील्ड ये हुई। तो यही लिखा था कि थिंक अबाउट मेन फील्ड। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि ये जो मेन फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसके बारे में सोचो। करंट अगर इंक्रीज हो रही है तो इधर क्रॉस बढ़ रहे होंगे, ये फील्ड बढ़ेगी और इधर डॉट भी बढ़ेंगे। तो करंट इंक्रीज हो रही है इसलिए हम कहेंगे कि ये जो बी क्रॉस हैं ये भी बढ़ रहे हैं, और इधर जो मेन फील्ड है बी डॉट टाइप वो भी इंक्रीज हो रही है। तो क्रॉस भी बढ़ रहे हैं और इधर डॉट भी बढ़ रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट ये था कि इस कॉइल में इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ देखना है। तो इंड्यूस ईएमएफ तो होगा क्योंकि यहां फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ये क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, उधर डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ तो बनेगा, और सर्किट क्लोज है, पूरी कॉइल क्लोज है, तो इंड्यूस करंट भी बनेगी। फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहां देखो क्रॉस बढ़ रहे हैं तो क्रॉस बढ़ने का अपोज लेंज लॉ से डॉट बन के होगा, और डॉट के लिए इसमें कैसी करंट होनी चाहिए? ये डॉट के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, इसमें बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही यहां पर डॉट बढ़ रहे हैं तो डॉट बढ़ने का अपोज किससे होगा? क्रॉस से। तो इसमें क्रॉस के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए, इसमें क्लॉकवाइज होगी। इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता कि ये जो मेन करंट है इस वायर में, जो करंट फ्लो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। अब देखो इसी से कितने क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि मान लो ये डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही तो इधर क्रॉस डिक्रीज हो रहे होंगे, क्रॉस डिक्रीज होने का अपोज क्रॉस से ही होगा, यहाँ क्रॉस बनना चाहिए, क्रॉस के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज थी, अब क्लॉकवाइज हो जाएगी। यहां पर डॉट डिक्रीज हो रहे हैं तो डॉट डिक्रीज होने का अपोज डॉट से ही होगा, तो यहाँ डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन ये कह सकता है कि ये जो वायर है
ये वायर में, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ये कांस्टेंट करंट है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। लेकिन इधर जो एक कॉयल है, इस कॉयल को हम इधर वी वेलोसिटी से साइड ले जा रहे हैं, इधर वाली कॉयल है इसको वी वेलोसिटी से इस साइड ले जा रहे हैं, तो बताइए इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, करंट बनेगी कि नहीं बनेगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बोलो। इस मेन करंट ये तो कांस्टेंट है, और अब इस साइड कौन सी फील्ड बनेगी, बोलो, क्रॉस बनेगी। चलिए क्रॉस बन गई, इधर डॉट बनेगी, बनेगी नहीं डॉट, ठीक है। इसी में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट पलट देते तब भी रिजल्ट उल्टे हो जाते, हाँ। तो यहां पर करंट कांस्टेंट है, अगर ये रेस्ट में रहती, ये भी रेस्ट में रहती, तो ना तो ईएमएफ बनता ना करंट बनती, क्योंकि फ्लक्स में चेंज होता ही नहीं। लेकिन इसको अगर आप इधर ले जा रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है कि इस वायर के आसपास फील्ड स्ट्रांग होती है, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो फील्ड डिक्रीज होती जाती है। आपने पढ़ा है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है वायर के लिए, ठीक है, मी नॉट आई अपन 4πr 2πr। तो ऐसे ही जब बाहर ले जाएंगे तो इसका मतलब आप स्ट्रांग फील्ड से कहां जा रहे हो, वीक फील्ड के अंदर जा रहे हो। तो स्ट्रांग से वीक की तरफ जा रहे हो तो ये क्रॉस कम हो रहे होंगे या बढ़ रहे होंगे, क्रॉस कम हो रहे होंगे। क्रॉस कम हो रहे हैं तो क्रॉस कम होने का अपोज कैसे, क्रॉस अगर कम हो रहे हैं तो क्रॉस ही बनेगी एंटी क्लॉक वाइज की जगह क्लॉक वाइज। इसमें आ जाओ, ये डॉट क्या हो रहे हैं, डॉट कम हो रहे हैं, तो डॉट कम होने का अपोज किससे होगा, डॉट से ही, तो डॉट के लिए एंटी क्लॉक वाइज होना चाहिए, इसमें एंटी क्लॉक वाइज, इसमें क्लॉक वाइज। अब अगर इसके भी और क्वेश्चन बन सकते हैं, आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दो, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दो, तो यहां जो क्लॉक वाइज बन रहा था वो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, इधर जो एंटी क्लॉक वाइज था वो क्लॉक हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, इस कॉयल को इधर राइट साइड ले जाने के बजाय आप इस वायर के पास में लाओ, वायर के पास में लाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस इंक्रीज होंगे, क्रॉस इंक्रीज होने का अपोज डॉट से होगा, इसको पास में लाओगे तो डॉट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने का अपोज क्रॉस से होगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बना लीजिए। थर्ड, एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आता है, ध्यान देना, आप पेपर उठा के देख लेना, ये जो मैं बता रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर कई बार आ जाता है, पूरा ईएमआई की पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसी से मिल जाता है। ये वायर में करंट फ्लो हो रही है कांस्टेंट, ऊपर एक कॉयल है रेस्ट में है, बोलो कितनी करंट इंड्यूस्ड होगी इस कॉयल में, जीरो, क्योंकि रेस्ट में है तो इंड्यूस करंट आईसी मान लेता हूं, इंड्यूस करंट जीरो, ये मेन करंट है। अब लेकिन सोचो, ये हमारे पास आई इक्वल टू कांस्टेंट है, इस कॉयल को जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये नीचे गिर गई, गिरते हुए इधर भी आ गई। अब बोलो, ड्रॉप हो रही है, पहले तो इंड्यूस ईएमएफ आएगी, ये डॉट बनेंगे पहले, ऊपर क्या बन रहे हैं डॉट, इस वायर के लिए तो ऐसे डॉट बन रहे हैं, मेन फील्ड कौन सी है, डॉट टाइप। अब डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड में ये गिर रही है, तो इंक्रीज हो रहे होंगे डॉट, क्योंकि ऊपर डॉट कम होंगे, नीचे ज़्यादा होंगे, वायर के पास में ज़्यादा होंगे, तो ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं डॉट, इंक्रीज हो रहे हैं डॉट, इंक्रीज के लिए क्रॉस, तो इसमें क्रॉस टाइप के लिए क्या होगा, करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब जब ये नीचे आ गई, इधर से नीचे गिरने लगी, इधर तो बन रहे थे क्या क्रॉस, अब ये ऊपर से नीचे जा रही है, तो क्रॉस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो क्रॉस कम होने का अपोज क्रॉस सही होगा, तो मींस अभी भी क्लॉकवाइज ही होगी, मतलब अगर ये वायर के पास में आ रही है तभी देखो क्रॉस बन रहा है,
दूर जा रही है तब भी क्रॉस बन रहा है। फिफ्थ, ये वायर है, आई करंट फ्लो हो रही है और इस वायर को हमने ऐसे एक कॉइल के अंदर रखा हुआ है कि ये कॉइल के सेंटर से होकर के जा रहा है वायर, आई करंट फ्लो हो रही है और आई इंक्रीज हो रही है। तो ये वाली जो कॉइल है, इस कॉइल में कितनी इंड्यूस करंट बनेगी? ऐसी कॉइल है, उसके सेंटर से एक वायर जा रहा है ऊपर परपेंडिकुलर, तो कितनी करंट इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड होगी ये बताना। जीरो। क्यों? और करंट बढ़ रही है, करंट इंक्रीज भी हो रही है। हाँ, इसका कारण ये है कि एक्चुअली अगर मैं एक प्लेन बना लूं ऐसा, तो इस वाली करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी वो भी इस प्लेन में बनेंगी जिस प्लेन में ये कॉइल रखी हुई है। तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर मैं डिफरेंट कलर से बना दूं तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, ठीक है। और इनकी डायरेक्शन कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी, इधर क्रॉस टाइप और इधर डॉट टाइप। और इसी प्लेन में ये जो वाइट कलर से बनाई है ये कॉइल भी रखी हुई है, तो करंट अगर बढ़े तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो बढ़ेंगी, लेकिन वो इस कॉइल के अंदर से पास नहीं होंगी, तो क्रॉस करती भी नहीं जा रही। तो मेन कंडीशन ये भी होती है कि जिस कॉइल से आपको इंड्यूस डीएमएफ या इंड्यूस करंट बताना है, उस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसको क्रॉस करती हुई जानी चाहिए, ठीक है, तभी ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो सकता है, राइट। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया है। फिफ्थ पॉइंट में ये हमारे पास एक कॉइल है और डायमीटर के अलोंग एक वायर जा रहा है और इसमें करंट इंक्रीज हो रही है, तो इस कॉइल में कितना इंड्यूस्ड करंट बनेगी इस कॉइल के अंदर, ठीक है। अब ये जो वायर है और ये जो कॉइल है वो सेम प्लेन में है, परपेंडिकुलर नहीं है, बोलो इसमें अलग अलग बनेगी डायरेक्शन में। इधर क्या बन रहा है? क्रॉस। इधर क्रॉस है और इधर डॉट है, ठीक है। अब क्रॉस बढ़ रहे होंगे, डॉट भी बढ़ रहे होंगे, इधर क्रॉस बढ़ेंगे तो क्या होगा, कौन सी करंट? क्रॉस बढ़ने का अपोर्ट डॉट से होगा, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज, मान लो आई सी बनी, और इधर डॉट बढ़ने का अपोज क्रॉस से होगा, इधर क्लॉकवाइज। तो जब एक ही कॉयल में सेम करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो नेट करंट जीरो हो जाएगी। तो इसमें नेट करंट होगी नेट इंड्यूस्ड इक्वल टू जीरो, ठीक है, नेट इंड्यूस करंट होगी जीरो। चलो अब मैं आपको एक 5-7 मिनट दे रहा हूं और पेज नंबर 1, 2, 3 निकाल लें, थर्ड पेज निकाल लें, और थर्ड पेज पर कुछ डायग्राम बने हुए हैं, बने, ये लिखा है ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज टाइप 1, प्रैक्टिस एक्सरसाइज टाइप 1, सेकंड पेज से स्टार्टिंग है इसकी। कॉइल और लूप आर इन प्लेन ऑफ द पेपर, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फॉर गिवन केसेस। कॉइल और लूप प्लेन ऑफ पेपर पर है, यानी इस पेपर पर ही कॉइल बनी हुई है ये वाला, तो ये बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है, और आपको करना है यहाँ तक, ये सेकंड, ये थर्ड पेज पर और थोड़ा सा एक पार्ट फोर्थ पेज पर है, मींस डीपीपी 1 के पहले तक ये आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी जो मैंने आपको समझाए हैं बिल्कुल उसी पर बेस्ड हैं, तो 5-7 मिनट आपको दे रहा हूँ, फटाफट करिए, फिर मैं एक एक करके सारे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज देख लो, ये वाली एक्सरसाइज करनी है, करो लो। और फोर्थ का डायग्राम बना रहा हूँ मैं,
फोर्थ में ये यहां पर एक कॉयल है और इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेटेड है। ये यहां पर कॉयल है और पॉजिटिव चार्ज की बीम ये रिटार्ड हो रही है, अल्फा पार्टिकल की बीम ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगला है सेवंथ, ऐसा एक कॉयल बनी हुई है क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। ये भी पूरा सिस्टम क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड में है और वो बढ़ रहा है। ये भी क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, एक सर्कल है और सर्कुलर लूप क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसको फिर हम इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, फील्ड वही है। चलो बताओ, डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी है सभी में। चलिए पहले इनको कर लें, फिर थर्ड वाला इसको मिटा के फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दूंगा। सबसे पहले इसको देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड हो रहा है। तो एक्सेलरेटेड हो रहा है इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट किधर फ्लो हो रही होगी, इधर फ्लो हो रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो जब करंट इधर लेफ्ट साइड फ्लो हो रही है तो आप करंट को लेफ्ट साइड माने, और एक्सेलरेटेड है तो बढ़ती हुई करंट है, क्योंकि आई इक्वल टू एनी वी डी फॉर्मूला होता है, वी डी स्पीड है। अगर वो स्पीड बढ़ रही है तो करंट भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो पहली बात, इसमें करंट जा रही है लेफ्ट साइड और वो बढ़ती हुई है। जब करंट लेफ्ट साइड है, जरा सोचो थंब की डायरेक्शन में करंट, तो ये फिंगर्स ऊपर कैसी बनेंगी, क्रॉस टाइप बनेंगी अंदर के लिए। तो यहाँ फील्ड कैसी बनेगी, मेन फील्ड क्रॉस टाइप बनेगी। तो मेन फील्ड हो गई ये बी क्रॉस टाइप। अब ये बढ़ती हुई फील्ड है या कम होती हुई फील्ड है, क्योंकि इधर करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है तो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो मतलब करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है तो क्रॉस बढ़ रहे हैं, क्रॉस बढ़ रहे हैं, बढ़ती हुई फील्ड है। क्रॉस बढ़ने का अपोज लेंज लॉ से कैसे होता है, डॉट बन के। तो यहाँ मतलब डॉट बनना चाहिए, और डॉट के लिए इसमें करंट कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो आंसर हुआ इसमें इंड्यूस करंट का एंटी क्लॉकवाइज। अब आ जाओ सेकंड वाले में, ये फिफ्थ वाले में, पॉजिटिव चार्ज की बीम है, जिस डायरेक्शन में जा रही होगी ये डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन क्या होगी, करंट की होगी, लेकिन ये रिटार्ड हो रही है। रिटार्ड हो रही है तो इसका मतलब इसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है तो मतलब इसकी करंट भी कम हो रही है, ठीक है। करंट डिक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज हो रही है तो जरा देखो, करंट इधर बन रही है, ऊपर क्या बनेंगे, डॉट, तो डॉट बनेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट टाइप है और मेन मैग्नेटिक फील्ड वो डिक्रीजिंग हो रही है। तो डॉट अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ सेंटर पर डॉट ही बनना चाहिए, तो डॉट बना लिए, और डॉट के लिए करंट की डायरेक्शन, इसमें इंड्यूस करंट कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। सिक्स पर देखें, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी बनाएंगे, और यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मतलब करंट भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट करंट है तो यहां पर डॉट फील्ड तो बनेगी, लेकिन वो डॉट फील्ड कांस्टेंट होगी, वो ना तो कम हो रही होगी ना बढ़ रही होगी, इसलिए इससे चेंज इन फ्लक्स नहीं हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स नहीं हो रहा है तो इसमें इंड्यूस करंट जीरो हो, ठीक है, ये होगा। अब आ जाओ इसमें
इसमें क्रॉस टाइप फील्ड है जो कि इस पूरे लूप के अंदर जा रही है, परपेंडिकुलर फील्ड है। ये क्रॉस बढ़ भी रहे हैं, क्रॉस बढ़ रहे हैं तो क्रॉस बढ़ने का अपोज कैसे होगा डॉट से, तो इसका मतलब इसमें डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, इंड्यूस्ड हो, वैसी करंट इसमें बनना चाहिए। तो क्या होगा डॉट टाइप के लिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करंट बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखें क्रॉस बढ़ रहे हैं तो क्रॉस बढ़ने का अपोज कैसे होगा डॉट से, तो इसमें भी डॉट बनेगा, दो सर्कल दिख रहे हैं यहां, इसमें भी डॉट बनेगा और इसमें भी डॉट बनेगा, मतलब इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो कैसे जाएगी ऐसी, ठीक है, इसमें इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, ये तो करंट ऐसी जा रही है, और इसमें कैसे जाएगी डॉट, क्रॉस बढ़ रहे हैं तो डॉट इस तरह से। अब जरा सोचो ये तो करंट पलट गई, मतलब इधर से जो करंट आ रही है इसमें इस वाले में तो ऐसी जाएगी, और इसमें ऐसे करंट जा रही थी लेकिन एक ही वायर में ये दो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो अगर मैं सोचूं इसमें है IC1 और इस वाले में फ्लो हो रही है IC2, दो दो इंड्यूस करंट है ना, अगर दोनों की वैल्यू सेम होती तो नेट करंट जीरो हो जाती, लेकिन सोचो किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू कम होगी। लूप बड़ा है तो बड़े लूप में एरिया ज़्यादा हो गया तो उसमें चेंज भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसमें करंट ज़्यादा बनेगी, इसमें करंट कब बनेगी, तो IC2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो IC2 कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसी का इफेक्ट ऐसा होगा कि वो नेट करंट कुछ इस तरह से बनेगी। तो हम कह सकते हैं इस लूप के अंदर कैसी बनी, नेट करंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों में अलग अलग होंगी कि नहीं, इस लूप में कैसी बनेगी नेट करंट, नेट इंड्यूस्ड, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, नहीं समझे। अरे वैसे तो इसमें कैसी है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये IC2 ज्यादा है, अब IC2 ज्यादा है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होकर के ऐसे जब आएगी तो पलट जाएगी वो, है ना, ऐसी पलट जाएगी, नहीं इस तरह से करंट इधर से आ रही है तो नेट करंट जो होगी वो ऐसी जाएगी, तो नेट इंड्यूस करंट जो होगी वो इसमें क्लॉकवाइज होगी और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां नेट इंड्यूस करंट की बात कर रहे हैं, नेट इंड्यूस्ड इसमें क्या होगी क्लॉकवाइज और इसमें होगी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर इंडिविजुअल इंड्यूस करंट की बात करें तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी इंड्यूस, नेट की बात करें तो फिर इसमें वो क्लॉकवाइज हो जाती है क्योंकि ये IC2 ज्यादा है तो ज्यादा करंट इधर से आ रही है, कम करंट इधर जा रही है तो ज्यादा का पार्ट बचेगा ना। नेक्स्ट, क्रॉस फील्ड थी ना, क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसी बनेगी और इसमें कैसी बनेगी, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगी, दोनों में क्रॉस बढ़ रहे हैं तो डॉट चाहिए। अच्छा अब एक काम करो, इधर से जो करंट जा रही है ऐसी, वो ऐसी पलट के इसमें यूं आएगी तो नेट करंट कैसी हो गई, ऊपर वाले में एंटी क्लॉकवाइज, अंदर वाले में क्लॉकवाइज, नेट करंट इसमें होगी। इसको अगर मैं नेट करंट मान लूं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज और इस वाले में क्लॉकवाइज, नेट करंट ले रहे हैं नेट। चलो और कौन सा रह गया, ये वाला बताओ, इसमें क्या होता है एरिया थोड़ा कम हो जाता है, तो एरिया कम हो गया तो क्रॉस कम हो गए तो इसका मतलब कम होने का अपोज क्रॉस से ही होगा, क्रॉस के लिए क्लॉकवाइज। अच्छा पहले के जो तीन दिए हुए थे उसमें थर्ड वाला बता देता हूं आपको, थर्ड वाले में ये था कैसी फील्ड है, डॉट टाइप क्रॉस टाइप, थर्ड वाले में डॉट मान लें,
चलो छोटे छोटे डॉट टाइप में एक लूप रखा हुआ है इस तरह से, और ये लूप कैपेसिटर की प्लेट ए और बी से कनेक्टेड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो दी हुई है, ये जो डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा वाला एंड कैपेसिटर का, कौन सा वाला जो एंड है प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सबसे पहले इंड्यूस करंट देखो कौन सी डायरेक्शन बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, डॉट बढ़ रहे हैं, तो डॉट बढ़ने का अपोज कैसे होगा, क्रॉस से। तो यहां पर क्रॉस बनना चाहिए, क्रॉस का मतलब कैसे, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हुई, ऐसे ही होगा, बोलो। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर है वो इस करंट से चार्ज होने लगा। पहले क्या था, पहले तो अनचार्ज था, कैपेसिटर की प्लेटों पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। अब ये कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज होने लगा। चार्जिंग के केस में क्या होता है मालूम है, करंट कैसे जाती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती है। तो इसका मतलब ये ए क्या बनेगा, पॉजिटिव, और ये बी बनेगा नेगेटिव। और डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है करंट, नेगेटिव में जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ए पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। क्या दिया सेकंड में, सेकंड टाइप में देखिएगा, कॉयल्स और लूप्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अभी तो उसी पेपर के प्लेन में थे, अब ये कॉयल जो है ऐसी देती है, ऐसे परपेंडिकुलर है, ये लूप ऐसे है। एक और लूप दिया हुआ है यहां पर, वो भी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, दोनों के एक्सेस सेम है, ठीक है। पहले वाली जो कॉयल है उसमें ये करंट फ्लो हो रही है ऐसे, आई करंट फ्लो हो रही है। दूसरी वाली जो कॉयल है इसको वी वेलोसिटी से दूर ले जा रहे हैं, इससे ये फिक्स है, एक अपनी जगह पर रेस्ट में। देखना यहां से अब इस तरह के क्वेश्चंस में ऑब्जर्वर किधर है उसके हिसाब से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर ये ऑब्जर्वर नहीं दिया जाए तो आप इसका आंसर क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर जिस साइड होगा उस हिसाब से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो अब सोचो ऐसे दिख रहे हैं, ये वाला एंड अंदर है ये बाहर है, तो इसके लिए ऐसे ये करंट है, ठीक है, ये करंट ऐसे है, ये वाला एंड बाहर है, ये मैं ऐसे बना देता हूं, और इसमें भी ये वाला अंदर है और ये वाला बाहर की तरफ है। बोलो इसमें करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर वाला एंड कौन सा बनेगा, नॉर्थ बनेगा, तो ये नॉर्थ बन रहा होगा, इधर वाला साउथ बन रहा होगा। तो एक काम करें, इसको बार मैग्नेट की तरह मान लें, ये ऐसे बार मैग्नेट हो गए, इधर वाला कौन सा बन रहा है, नॉर्थ, इधर वाला साउथ। साउथ के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी आ रही होंगी, साउथ के अंदर आ रही होंगी, ठीक है, साउथ के अंदर आती है ये लाइंस हैं। अब अगर हम इसको इधर से देखें तो इस कॉइल के बाहर निकलती हुई लाइन दिखेंगी या अंदर जाती हुई, यहां से देखना ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर लाइन आ रही है, तो इसके लिए क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये इस वाली कॉइल से बाहर निकल रही, मतलब डॉट, हमारे लिए क्या हो गया ये डॉट। अब दूर ले जाओगे तो हम यहां से देख रहे हैं तो वो डॉट कम होंगे या बढ़ेंगे, डॉट कम हो रहे होंगे, तो डॉट कम होने का अपोज कैसे होगा, क्रॉस से, क्रॉस के लिए करंट की डायरेक्शन डॉट से ही होगा, इसमें डॉट है, और जैसे ही डॉट कम हो रहे होंगे तो डॉट का अपोज डॉट से ही होगा, और डॉट के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट इस इधर से देखने पर कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, तो इसमें आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज इस ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। एक बार और समझ लो, देखो ये वाली मेन कॉइल थी, हम इधर से देख रहे थे
तो इसमें क्वेश्चन में बोला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हम जिधर से देख रहे हैं वो नॉर्थ बनेगा और इसके पीछे साउथ बनेगा, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो इसका मतलब ये नॉर्थ बन रहा होगा, इसका अपोजिट एंड साउथ होगा। तो मैंने बार मैग्नेट बना ली समझाने के लिए, एस है और ये एन है। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एस के अंदर आती हैं और एन से दूर जाती हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एस के अंदर आ रही हैं, उन्हीं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक और कॉइल रखी हुई है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारी तरफ लाइंस आती हुई दिखेंगी हमें, और वो कॉइल रखी हुई है तो कॉइल से बाहर निकलती हुई लाइंस हमें दिखेंगी। इस कॉइल से बाहर निकलती हुई लाइन दिख रही है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या बन रहा है, डॉट बन रहा है। अब चूंकि इस कॉइल को हम दूर ले जा रहे हैं तो हमारे लिए वो ऐसा लगेगा इस कॉइल में डॉट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि इस एस के आसपास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और जैसे जैसे दूर ले जाएंगे तो वही फील्ड डिक्रीज होती जाएगी, तो डिक्रीजिंग डॉट में जा रही है ये, तो डिक्रीजिंग डॉट का अपोज डिक्रीजिंग डॉट का अपोज डॉट से ही होगा, तो डॉट के लिए इस ऑब्जर्वर के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर वो कहे कि नहीं ऑब्जर्वर इधर है तो इसके लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर से देखने वाले के लिए वही क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड होता है कि ऑब्जर्वर देख कहां से रहा है, ठीक है। वही करंट क्लॉकवाइज दिख सकती है, वही करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख सकती है, डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर कहां से। एक और क्वेश्चन है, इसी का बी पार्ट है, ये ए पार्ट हो गया, अब देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में एक ये कॉइल बना दी है यहां पर और ये रेस्ट में है, एक और कॉइल यहां पर बना दी गई है, ये सोर्स है, इसमें करंट फ्लो हो रही है और वो इंक्रीजिंग करंट है, इधर से देख रहे हैं तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगी, देखो इधर से देखना है। पहले तो करंट कैसी दिख रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इधर क्या बनेगा नॉर्थ, इधर बनेगा साउथ। तो एक बार मैग्नेट मान लेते हैं और साउथ के अंदर क्या होंगी, ये करंट जाएंगी नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, इधर से देखने पर इसमें क्या दिख रहे होंगे डॉट, क्योंकि बाहर निकल रही है, ये डॉट दिख रहे हैं और ये करंट बढ़ रही है तो वो डॉट भी बढ़ रहे होंगे। अब डॉट बढ़ रहे होंगे तो बढ़ने का अपोज किससे होगा, डॉट का क्रॉस से, क्रॉस के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो इसमें होगा डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज, ठीक है। और कोई पॉइंट दिए हैं देखना जरा, हाँ एक पॉइंट और है, टाइप टू में इसके बाद सेकंड पार्ट है, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर कॉयल्स कैरीज इक्वल करंट, पहले सेम डायरेक्शन में और फिर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इफ बोथ द कॉयल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड अवे फ्रॉम ईच अदर देन करंट इन द कॉयल, ये चार ऑप्शन दिए हैं, कम होगी ज्यादा होगी वही रहेगी कि नहीं, ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब दो डायग्राम दिए उनमें चार ऑप्शन है, लो सोचो पढ़ो उसको, ए में क्या होगा, ए में इंक्रीज, इफ सिस्टम इज वर्किंग, कोई भी सिस्टम हो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कॉइल लूप का सिस्टम है, इफ सिस्टम इज वर्किंग एनर्जी डिक्रीजेस एंड करेंट ऑल्सो डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस एंड करेंट ऑल्सो डिक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एक्सटर्नल वर्क इज डन देन एनर्जी इंक्रीजेस, एक्सटर्नल वर्क इज डन देन एनर्जी इंक्रीजेस देन करेंट ऑल्सो इंक्रीजेस।
इसी पर ये दो क्वेश्चन है, आप देखिए दो कॉइल बनी हुई हैं, आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में इस तरह से, और ये ए कॉइल है, ये बी कॉइल है। इधर से हम देखेंगे, ऑब्जर्वर ये है, इसमें करंट ऐसी फ्लो हो रही है, आई इसमें भी ऐसे ही करंट फ्लो हो रही है आई, और उसने कहा कि ए और बी को हम पास पास ला रहे हैं, तो बताइए ए और बी में करंट बढ़ेगी कम होगी ये बताना है, दोनों को पास पास ला रहे हैं, बोलो देखते हैं कैसे बढ़ेगी या कैसे कम होगी। अगर पास पास ला रहे हैं तो पहले तो ये देख लो कौन सा एंड नेगेटिव होगा, कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा, इधर कैसी करंट है, एंटी क्लॉक भाई, तो ये वाला एंड कौन सा होगा, दूसरे कलर से लिख देता हूं, बोलो कौन सा एंड होगा, ये वाला कौन सा होगा नॉर्थ, और ये वाला इसमें भी एंटी क्लॉक वाइज है, ये कौन सा होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। मतलब आप सोचो दो बार मैग्नेट हैं जिनके नॉर्थ साउथ पास पास में हैं और हम उनको पास पास में ही ला रहे हैं, तो आप लाएंगे कि अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, मतलब यहाँ सिस्टम खुद वर्क करेगा, आप वर्क नहीं कर रहे, सिस्टम खुद अपने आप को अट्रैक्ट कर रहा है, उस सिस्टम के अंदर जो दो मैग्नेट हैं, दो कॉयल हैं, वो अपने आप को अट्रैक्ट कर ही रही हैं, तो इसका मतलब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, तो एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी तो करंट भी डिक्रीज होगी, तो दोनों में ही क्या होगी, करंट डिक्रीज होगी, ए और बी में करंट डिक्रीज, ए में भी करंट डिक्रीज और बी में भी करंट डिक्रीज। अब अगर इन्हीं, ये तो पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, इन्हीं कॉइल को एक दूसरे से दूर ले जाएं, ए दूर जा रही है, बी भी दूर जा रही है, दूर ले जा रहे हैं, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी नेचर क्या है, पास पास आने की, और आप नेचर के अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो ये नेचर के अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो वो जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो सिस्टम में एनर्जी को बढ़ा देगा, ठीक है। ये एन और एस की नेचर है पास आने की, तो अगर आप दूर ले जाओगे तो उस केस में क्या होगा, आपने कुछ वर्क किया और वो वर्क इस सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देगा, जब सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देगा तो करंट भी बढ़ जाएगी, तो ए में भी करंट बढ़ेगी और बी में भी करंट बढ़ेगी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, एक और पार्ट बना हुआ है, इसमें ऐसे ही दो कॉइल दी हुई हैं, ए और बी, इसमें करंट ये फ्लो हो रही है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और इधर से देख रहे हैं, सबसे पहला वही है कि पहले पास पास लाया जाए फिर दूर दूर ले जाया जाए। देखो कैसी करंट है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ओके, मतलब आप देख रहे हो, तो ये क्लॉकवाइज है, तो इधर क्या बनेगा साउथ, इधर कौन सा बनेगा, इसमें बोलो कैसी है, एंटी क्लॉक भाई, इधर क्या बनेगा, पीछे क्या बनेगा साउथ। अब नॉर्थ नॉर्थ एक पास पास आ गए, तो इनकी नेचर क्या है, रिपेल करने की, नॉर्थ नॉर्थ पास में है तो उनकी नेचर क्या है, रिपेल करने की, दूर ले जाने की। अब यहां क्या कर रहे हैं, हम पास ला रहे हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ की नेचर तो रिपेल होने की है और हम पास में ला रहे हैं, तो मतलब आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा तभी पास में ला सकते हो, तो जो कुछ भी वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो गया, उसमें स्टोर हो जाएगा, उसके एनर्जी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगी, तो इस केस में ए में भी करंट बढ़ेगी और बी में भी करंट बढ़ेगी। अब दूर ले जा रहे हो तो नॉर्थ नॉर्थ की नेचर ही क्या है, दूर ले जाने की है, दूर जाने की है, तो सिस्टम खुद वर्क करेगा, और जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी तो करंट भी कम होगी, तो ए में भी करंट कम हो जाएगी और बी में भी करंट कम हो जाएगी। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि एक ऐसे
मैग्नेट है एस और एन, यहां पर एक सिलेंडर है और इस पर वायर लपेटा गया है ऐसे, ये रेजिस्टेंस है आर, यहां पर एल पॉइंट लिखा हुआ है या एन पॉइंट लिखा हुआ है, और इस मैग्नेट को वी वेलोसिटी से इस सिलेंडर की तरफ ला रहे हैं, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एल से एन की तरफ होगी या एन से एल की तरफ, ये बताना है। तो देखिए ऐसा स्टार्ट करते हैं, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ, नॉर्थ इधर नॉर्थ की तरफ जाएगा, नॉर्थ इस की तरफ जाएगा, तो ये एंड भी कैसा बन जाएगा, नॉर्थ ही बन जाएगा, यही फैराडे कहते हैं। फैराडे एक्सपेरिमेंट में क्या था कि कोई मैग्नेट अगर किसी कॉयल के पास में ले जा रहे हैं और उसका नॉर्थ पोल अगर उसके पास ले जा रहे हो तो वो एंड भी क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। कहां से देखने पर, इस नॉर्थ पोल से ही देखने पर, यहीं पर हम भी बैठे हुए हैं इसको देख रहे हैं, यहीं बैठ के इसको आगे मूव करा रहे हैं, ठीक है, ये बैठे हैं। अब इधर से ये भी नॉर्थ बनेगा, तो सोचो नॉर्थ बनेगा तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है, ये यहां सिलेंडर है, अब सिलेंडर में ये वाला जो वायर दिख रहा है वो बाहर से दिख रहा है, इधर से मतलब नीचे से बाहर की तरफ लपेटा हुआ है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगी, इमेजिन करना है बस और कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ जाएगी, बिल्कुल। तो ऐसी करंट है ना, एंटी क्लॉकवाइज बनानी है, तो इधर ये बाहर है, आप ऐसा सोचो इधर से यूं जाएगी और अंदर वाला ये वाला सिरा तो अंदर की तरफ है, तो जो जो एंड अंदर की तरफ है उसमें नीचे की तरफ, और जो आप देख रहे हैं बाहर की तरफ, वहां से ऐसे ऊपर जाएगी, तो ये हो गया ऐसे ऊपर जाएगी। जब ये पता चल जाए तो फिर तो सिंपल है, इधर से बाहर ही निकल रही होगी, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगी, इंड्यूस करंट एन टू एल। एक और है लास्ट फोर्थ, व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। चलो देखते हैं, ये एन हो गया है, इधर एस हो गया है, और इसमें ऐसे कैपेसिटर है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ऐसा लूप है, मतलब ये वाला जो सर्कल का एंड है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, ऐसी करंट फ्लो, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें ये कहा गया है कि जो एस पोल है इसको हम इधर ला रहे हैं पास में, वी वेलोसिटी से पास में ला रहे हैं। सोचो इधर पास में ला रहे हैं तो मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रही है तो एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, इस लिंक, इस कॉइल से लिंक कैसी हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तो इसको दोनों तरफ से कर सकते हैं, इधर से देख के भी कर सकते हैं, इधर से देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप, और तरीका सही तरीका यह है कि आसानी इसमें रहती है कि जिस डायरेक्शन में जो कॉयल मूव कर रही है वहीं पर आप बैठ जाओ, उसी के हिसाब से करो तो आसानी हो जाएगी। तो देखिए ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ पोल की तरफ ऐसे आ रही होंगी, तो इधर से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, कॉयल में डॉट या क्रॉस, इधर से देख रहे हैं ये कॉयल है, कैसा दिखेगा, हमारी तरफ लाइन आ रही है मतलब डॉट दिखेगा, और वो हम उस कॉइल की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो वो डॉट बढ़ते हुए लगेंगे। अब वो डॉट बढ़ेंगे तो डॉट बढ़ने का अपोज कैसे होगा, क्रॉस से, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी होनी चाहिए क्रॉस बने, क्रॉस के लिए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसा होगा, यूं ऐसे हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो ऐसी करंट जाएगी और नीचे, तो जिस डायरेक्शन में या जिस पॉइंट की तरफ इंड्यूस करंट जाती है, याद कर लो जिस पॉइंट की तरफ इंड्यूस करंट जाती है वही पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इंड्यूस करंट जिस पॉइंट की तरफ मूव कर रही है वो, या जिस प्लेट की तरफ मूव कर रही है वो प्लेट कैसी होगी, पॉजिटिव, ये हमेशा के लिए याद रख लो, तो दूसरी अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। इंड्यूस करंट मेन करंट जैसी नहीं होती, इंड्यूस करंट जिस पॉइंट की तरफ जा रही है वो पॉइंट है पॉजिटिव, ठीक है, ये मत भूलना पूरे ईएमआई में। जैसे
ये कोई भी हम एक सर्कल बना दें, अब इंड्यूस करंट मान लो ये आ गई आईसी, ये ए पॉइंट है बी पॉइंट है, कौन सा पॉजिटिव होगा? बी पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा। एक सेल की तरह काम करती है, सेल के अंदर जो करंट फ्लो होती है कहां से कहां सेल के अंदर फ्लो होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वही इंड्यूस करंट। ठीक है, तो आज हमने कुछ ये थियोरेटिकल पॉइंट समझे हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहां तक कर चुके थे बोलो? फैराडे फर्स्ट लॉ हो गया था, सेकंड लॉ हो गया था, और बताओ क्या हो गया था? क्वेश्चंस करवा दिए थे। ठीक है, देखिए हमने फैराडे सेकेंड लॉ पढ़ा था, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। फैराडे सेकेंड लॉ में क्या था बोलो? किसी कॉइल से या किसी जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये फर्स्ट लॉ में बोलते हैं। सेकेंड लॉ में क्या बोलते हैं कि कितना ईएमएफ डेवलप होगा? तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस आया था डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर ये फ्लक्स में चेंज बड़ा सा हो, मेजर किया जा सके चेंज, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ले लो। इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है, कोई फ्लक्स की इक्वेशन दी हुई है टाइम के साथ, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? ई इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, तो जैसी जरूरत हो वैसा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे देखें, पहला पॉइंट फ्लक्स इक्वल टू क्या था? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू था फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कॉइल है और घूम रही है, चलिए पहले थीटा ही लिख लेता हूं, कॉस थीटा, राइट, यहां पुट कर दें तो हमारे पास ई इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, फाई की जगह बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसके भी पहले थोड़ा सा और हम देख लें, ये तो हुआ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ के साथ साथ और क्या इंड्यूस होता है? करंट बनती है, तो करंट इक्वल टू क्या होता है? ई बाई आर, करंट ओम्स लॉ, सिंपल, आई इक्वल टू वी बाई आर, वी की जगह क्या आ गया? ईएमएफ ही, तो ई बाई आर। तो उस सर्किट में करंट भी इंड्यूस्ड होगी, और अगर मैं इस ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड ले लूं, क्योंकि माइनस साइन तो वो अपोजिशन को शो करता है, तो केवल हम यहाँ माइनस साइन हटा दें, केवल मैग्नीट्यूड ले लें, तो इसको लिख सकते हैं डी फाई ओवर डी टी और डिवाइड बाय वन बाई आर। तो ये आ गया I इक्वल टू वन बाई आर डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, अच्छा, करंट अगर इंड्यूस हो रही है तो चार्ज भी बनेगा। चार्ज कितना इसके अंदर होगा? तो चार्ज Q इक्वल टू होता है आई डी टी, लिख सकते हैं आई टी होता है ना, तो टाइम इंटरवल स्मॉल है तो आई डी टी। ठीक है, आई निकाल चुके हो आप, वन बाई आर डी फाई ओवर डी टी, डी टी कैंसिल हो गया, ये आपके के पास आया वन बाय आर डी फाई। ठीक है, ये केबल और केबल में मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, माइनस प्लस नहीं ले रहा हूँ। तो ये इंड्यूस चार्ज आ गया। अब यहाँ से कुछ दो तीन कंक्लूजन निकलते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि ई एम एफ ई इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस डी फाई ओवर डी टी, मतलब ई एम एफ द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड करता है। ई एम एफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड करता है। इंड्यूस करंट रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पर तो डिपेंड करती ही है, साथ साथ उस सर्किट के रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है, लेकिन ई एम एफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता।
मान लो मेरे पास एक कॉपर की कॉइल है और एक सिंपल किसी भी मटेरियल की कॉइल है और उसके दो एंड है, तो दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ईएमएफ सेम डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन अगर उनको क्लोज कर दें तो जो करंट बनेगी वो कॉपर में ज़्यादा बनेगी, और अगर कॉपर से कोई ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट कम इंड्यूस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ईएमएफ तो मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा, उस वायर के मटेरियल पर, कॉइल के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन करंट उस मटेरियल पर डिपेंड करेगी क्योंकि रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है करंट। तो इंड्यूस करंट केवल रेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ केवल रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन करंट दोनों पर डिपेंड करती है। चार्ज रेट पर डिपेंड नहीं करता, ओनली चेंज इन फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है उस बात पर डिपेंड नहीं करता, बस फ्लक्स चेंज हो रहा है इस बात पर डिपेंड करता है। तो अगर थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग समझें तो ये कह सकते हैं कि जैसे एक मैग्नेट थी, एक कॉइल थी, और उनको हम एक दूसरे के पास ला रहे थे, रिलेटिव मोशन कर रहे थे, तो रिलेटिव मोशन की स्पीड बढ़ा दो, टाइम को कम कर दो, स्पीड बढ़ा दिया, जल्दी जल्दी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं जल्दी जल्दी से, तो ईएमएफ तो ज़्यादा डेवलप होगा क्योंकि टाइम कम कर दिया आपने, ईएमएफ बढ़ जाएगा, टाइम कम कर दिया तो करंट भी इंड्यूस बढ़ जाएगी। लेकिन चार्ज उस टाइम पर डिपेंड नहीं रहे करेगा क्योंकि चार्ज तो केवल किस पर डिपेंड करता है, चेंज इन फ्लक्स, और वो चेंज इन फ्लक्स कितनी जल्दी हुआ है, कितनी देर में हुआ है, इस बात पर चार्ज डिपेंड नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ईएमएफ और करंट स्पीड पर डिपेंड करते हैं। तो एक तो ये पॉइंट्स हैं। अब हम जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे उसी को देखें। जैसे पहला पॉइंट है, फ्लक्स इक्वल टू क्या था, बी ए कॉस थीटा। मैं एक सिंगल कॉइल ले रहा हूँ, सिंगल कॉइल का मतलब है कि उसमें एक ही टर्न है, एक टर्न की कॉइल ले रहा हूँ, तो फ्लक्स इक्वल टू हुआ कितना, बी ए कॉस थीटा। अगर उसमें उसी में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, एन कर दो, तो फिर आप उसको एन फाई ले लेंगे और उधर एन बी ए कॉस थीटा ले लेंगे। मैं एक ही टर्न की एक कॉइल ले रहा हूँ तो उसमें उससे लिंक्ड फ्लक्स है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब हम निकालना चाहते हैं ईएमएफ, तो ईएमएफ जब निकालेंगे तो ईएमएफ का फॉर्मूला है आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का, डी फाई ओवर डी टी माइनस का, ठीक है। अब देखिए इसमें फाई की वैल्यू लिख दूं मैं तो माइनस डी अपॉन डी टी बी ए कॉस थीटा, राइट, ओके लिख दिया। अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इसको देखने से पता चल रहा है कि तीन पैरामीटर्स में चेंज होने के कारण होगा। जैसे मान लीजिए ए और बी कांस्टेंट हैं तो थीटा में क्या चेंज आ रहा है उस बात पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए थीटा कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आ रहा है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि बी और थीटा कांस्टेंट, ए में क्या चेंज आ रहा है, एरिया में क्या चेंज आ रहा है। तो तीनों कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है, अगर मैं बोलूं आपसे कि यहाँ पर थीटा और एरिया ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ए थीटा और एरिया चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, केवल बी। तो ई इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, जब थीटा और ए कांस्टेंट है तो मतलब डिफरेंशियल उनका करना नहीं, उनको बाहर निकाल लो, तो ये ए बाहर आ गया और कॉस थीटा बाहर आ गया, क्या बचा, डी बी ओवर डी टी, ये माइनस तो रहा, ठीक है, ए कॉस थीटा डी बी ओवर डी टी। यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण आ रहा है, वो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और इस तरह का जो ईएमआई का फिनोमिनन होता है वो दो जगह पर मिलता है, मैग्नेट केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो, मतलब केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो तो वो मिलता है, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस में, सेल्फ इंडक्टेंस, और एक मिलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, इसको बोलते हैं स्टैटिक ईएमआई, स्टैटिक ईएमआई,
स्टैटिक ईएमआई का मतलब क्या हुआ कि यहां पर कॉइल रेस्ट में होगी, कॉइल मूव नहीं करनी, कोई कॉइल मूव नहीं कर रही, लेकिन उस कॉइल में जब करंट फ्लो कराओगे तो करंट या तो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। तो करंट अगर बढ़ रही है तो उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और करंट अगर कम हो रही है तो तभी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब अगर एक सिंगल कॉइल दी है, एक ही कॉइल दी है, और उसी एक ही कॉइल में हम अगर करंट को बढ़ाएं या कम करें किसी तरीके से, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, एक कॉइल लेते हैं हम और उसके पास में एक और कॉइल वैसे ही रख दी, एक कॉइल में एन वन टर्न है, दूसरी कॉइल में एन टू टर्न है, तो दो कॉइल पास पास में रख दी, और या एक कॉइल जैसी बनाई है उसके ऊपर ही दूसरी कॉइल लपेट दी, ठीक है। अब उन दोनों में किसी एक कॉइल में करंट को चेंज करो, दूसरी कॉइल इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, मतलब कोई तार वार नहीं जुड़ा दूसरी कॉइल से, जस्ट वो पास में रखी है, लेकिन जब हम एक कॉइल में करंट चेंज कर रहे हैं तो उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, और उसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी कॉइल रखी हुई है, तो वही चेंज इन फ्लक्स किस में आ गया, दूसरी कॉइल से भी एसोसिएटेड हो गया, ठीक है। तो उस दूसरी कॉइल में भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यही तो फैराडे कहते हैं कि किसी भी कारण से अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, मतलब ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इन्हीं को छोटी छोटी कॉइल मान लो, ठीक है, और इस रूम के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो सभी के अंदर, सभी कॉइल्स के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, और सबके अंदर अलग अलग होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा किस में फ्लक्स में चेंज कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। करंट अगर क्लोज है तो करंट अलग अलग बनेगी। खैर, तो एक तो ये हो गई सेल्फ इंडक्टेंस और एक हो गई म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको क्या बोलते हो, स्टैटिक ईएमआई। अच्छा, अब अगर मान लीजिए, एक तो पहला ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट अगर मान लीजिए इसमें थीटा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये थीटा और बी ये कांस्टेंट है, क्या बच गया, एरिया। एरिया चेंज हो रहा है तो ईएमएफ क्या होगा, माइनस बी कॉस थीटा डीए ओवर डीटी। एरिया चेंज हो रहा है तब भी उस एरिया, इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास सर्कल था, बिल्कुल ऐसे जैसे क्रॉस टाइप फील्ड में पिछले टर्न पर एग्जांपल दिया था ना, ये हमारे पास एक क्रॉस फील्ड थी और उसमें एक सर्कल था, और इसी सर्कल को इधर से खींच दिया जाए तो कितनी जल्दी इधर से खींच रहे हैं, कितने टाइम में उसको खींच रहे हैं, तो मतलब हम एरिया चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है ना, तब फ्लक्स में चेंज होगा। क्योंकि अभी मान लीजिए एक दो तीन क्रॉस इसके अंदर है, एक क्रॉस की फील्ड मान लो एक टेस्ला है, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, खींच दिया ये तीन की जगह हो सकता है चार या पांच क्रॉस इसके अंदर चले जाएं, तो इसका मतलब पांच टेस्ला फील्ड हो गई। अब कितने देर में आपने चेंज किया, मान लो एक सेकंड में ऐसा कर दिया, ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स होगा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स भी मिल रहा है आपको, तो मींस एरिया में चेंज होने के कारण। या कभी कभी एक रॉड ले ली हमने, ये सब एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक रॉड है, ये जैसे चौक टाइप की एक रॉड है, अब इस रॉड को मैं इस क्रॉस फील्ड में ऐसे मूव करा रहा हूँ, तो जब मैं ऐसे मूव कराऊंगा तो एक ये पूरी रॉड जो होगी वो ऐसे एरिया बनाएगी, एरिया बना रही है, चलने से फ्रेम बनेगा, तो जैसे जैसे वो फ्रेम बनेगा उस फ्रेम के अंदर ये क्रॉस आते जाएंगे, तो यहाँ पर भी एरिया चेंज हो रहा है, इसमें भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, और वो इस रॉड से कटेगा, तो डिटेल में आगे समझेंगे। इस तरह के ईएमआई को बोलते हैं, ये तो स्टैटिक था, अब मोशनल ईएमआई या डायनामिक ईएमआई, डायनामिक
EMI. तो जहां पर एरिया चेंज होगा वो होगा डायनामिक EMI. एक और तीसरा आता है, मान लो एरिया चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट बनी हुई है, एक कॉयल उसके अंदर रख दी, वो कॉयल का एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उस कॉयल को अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे, तो जैसे ही आप उसको रोटेट कराओगे तो उस कॉयल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज माना जाएगा, और जितनी देर में वो फ्लक्स में चेंज होगा उससे रेट निकाली जा सकती है, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, तो उसके अंदर भी EMF डेवलप होगा. तो अब क्या बनेगा, E इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF, बोलो, माइनस BA d/dt, बोलो क्या लिख दूं, cos थीटा. ठीक है, अब यहां थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा t, क्योंकि अगर आप उस कॉइल को अपनी एक्सेस के अबाउट इस तरह से घुमा रहे हैं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से फ्रीक्वेंसी से घुमा रहे हैं, तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी, राइट. अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, बताइए डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बन गया, ई इक्वल टू बोलो बी ए ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी. ये एक टर्न वाली कॉइल थी, अगर नंबर ऑफ टर्न उस कॉइल के अंदर कितने हो, कैपिटल एन हो, तो एन से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या बन जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ये जो एन बी ए ओमेगा है इसको बोलते हैं मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF, क्योंकि आप ई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी, साइन की वैल्यू वन हो जाएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, वन होती है, तो साइन ओमेगा टी को अगर मैं वन लिख दूं तो ई इक्वल टू बन जाएगा एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम EMF. तो मैक्सिमम EMF को ई जीरो लिख सकता हूं, तो ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन बन गई. अब आप देख रहे हैं यहां पर ओमेगा टी कैसा फंक्शन है, साइन ओमेगा टी, साइन और कॉस जो फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो इसलिए पीरियोडिक EMI बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं थर्ड वाले केस को पीरियोडिक EMI, पीरियोडिक EMI, ये ऑल्टरनेटिंग करंट में आएगा. ठीक है, तो हमें ये तीनों पढ़ने हैं, स्टैटिक EMI भी पढ़ना है, डायनामिक EMI भी पढ़ना है, और पीरियोडिक EMI भी पढ़ना है. तो ये कुछ पॉइंट्स हुए, इनको लिख लिया जाए. अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए ये आई इसमें इंड्यूस हो रही है, कितनी हो रही है, आई ई बाई आर, जिसको हमने 1/r d/dt कहा, मैग्नीट्यूड करंट का, तो करंट फ्लो हो रही है तो वायर भी तो गर्म हो जाएगा, तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, बोलो I²RT, और इंस्टेंटेनियस हीट पूछा हो कितनी उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो फिर इंटीग्रेशन से ले लेंगे इंटीग्रल, और क्या हो जाएगा, I²R, टी की जगह आ जाएगा dt, और जिस टाइम इंटरवल में चाहिए वो लिमिट लग जाएगी 0 to t, ऐसा भी लिखा जा सकता है. ठीक है, तो ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला आप ध्यान. नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, हम बात कर रहे हैं या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी, ठीक है, वो ध्यान है आपको, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, कोई भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जहां जहां तक उसका इन्फ्लुएंस रहता है, मतलब वो अदर चार्ज पार्टिकल पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, तो वो पूरा स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ठीक है, पूरे स्पेस में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई होती है. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते थे, कि पर्टिकुलर जगह पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दो, तो वो टेस्ट चार्ज अपने ऊपर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करता था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते थे, E=F/Q, यही पढ़ा था. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अच्छा वहाँ प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी हमने,
कि जो मेन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि ये ओपन कर्व बनाती है. क्या बताया था? ओपन कर्व बनाती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है, यही बताया था. ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए ये क्लोज कर्व बनाती है. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्लोज कर्व बनाएगी. ठीक है, तो एक बार ये IIT में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उन्होंने चार डायग्राम बना दिए, उन्होंने कहा कि इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये नहीं कहा कि कौन सी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि ये EMI वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड है, तो फिर तो सर्कल भी हो सकता है. उसका आंसर सर्कल ही था. ठीक है, तो ये ध्यान देना क्योंकि उसके क्वेश्चन नीट में रिपीट हो जाते हैं. तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे समझें हम कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बना रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैग्नेट बना रहे थे, तो कहीं जरूर मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं. तो सिंपल बात तो ये हो गई, लेकिन अब टेक्निकल बात फिजिक्स में ये है कि जो टाइम वेरिंग, मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या इंड्यूस करती है, इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, एक सेंटेंस याद करो. कहीं पर अगर आपको टाइम के साथ चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए तो उसी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड हो जाएगी. कैसे, देखो मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल रीजन में, अब एक सिलेंड्रिकल रीजन बना रहा हूं, इसका मतलब मैं इधर से फ्रंट व्यू देख रहा हूं उसका, तो पूरा सिलेंडर का फ्रंट व्यू देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, सर्कल दिखेगा. तो इस पहले सर्कल बना लेता हूं ऐसा, मतलब ये सिलेंडर है. ठीक है, और इसके अंदर सिलेंड्रिकल रीजन में ऐसे क्रॉस टाइप, आप चाहें तो डॉट टाइप भी बना सकते हैं, समझाने के लिए मैं एक कोई सी भी टाइप फील्ड ले रहा हूं. तो इस सिलेंड्रिकल रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है. राइट, सिलेंड्रिकल रीजन का मतलब है कि इधर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके पीछे से आ रही हैं और सामने बोर्ड की तरफ ये चली जा रही, और ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं कि वो एक क्या बना रहे हैं, सबको अगर मिला दिया जाए तो एक बंच बना रहे हैं लाइंस का, और वो सिलेंडर बन जाएगा. ठीक है, तो समझ लो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड dB/dt ये चेंज हो रही है. ठीक है, dB/dt का मतलब है ये चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, dB/dt. तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, वेरिएबल हो रही है, वेरिएबल है, या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसे dB/dt निकाल सकते. राइट, तो इसको मैं यहां पर अगर चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है किसका फंक्शन, टाइम का फंक्शन. राइट, बी ब्रैकेट टी लिख दिया तो इसका मतलब B×t नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, वो टाइम के साथ वेरी कर रही है. कैसे वेरी करेगी वो अलग बात है, कौन से इक्वेशन को फॉलो करते हुए वेरी करेगी, तो कभी डिक्रीज हो सकती है कभी इंक्रीज हो सकती है. ये इसका सेंटर हो गया सिलेंड्रिकल व्यू का, सिलेंड्रिकल रीजन का जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है और वो चेंज हो रही है. तो अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो अभी क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर से कहीं पर भी बन सकती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो जिस प्लेन में आप देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, ठीक है, इसी प्लेन में बनती है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर प्लेन में बनती है. तो वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डिफरेंट कलर से यहाँ बना दूँ तो ऐसे सर्कल में ही बनती है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, बाहर भी बन सकती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये बाहर भी बन रही है. राइट, तो ये जो अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसी तरीके से जैसे हम
क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड लेते थे और थंब को क्रॉस की डायरेक्शन में कर दिया और ये फिंगर्स कैसे हो रही हैं, वो वायर में करंट को शो कर दी थी। राइट हैंड रूल से क्या करते थे, अगर क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल में सेंटर पर, तो ये फिंगर क्या शो करती थी, करंट की डायरेक्शन को शो करती थी। बिल्कुल वैसे ही सिमिलर, अगर ये क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड को थंब शो कर रहा है, तो ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं सेंस, ठीक है, वही डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो मैं यहाँ पर इसमें एरो ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, तो ये डायरेक्शन किसकी है बोलो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये सर्कल्स दिख रहे हैं, ये सर्कल्स क्या हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं। अब आप देख रहे हो कि नहीं, ये सर्कल्स क्लोज कर बना रहे हैं, तो ये हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही हैं जो सर्कल बन रही हैं, वो क्लोज कर बना रही हैं, जबकि वहां पर क्या था, ओपन कर बनाते थे, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती थी, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं, एक क्लोज कर बनाती हैं, ध्यान देना। और ऐसे हम इधर ये फिंगर्स ऐसे जा रही हैं, डॉट फील्ड होती तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। अब ये एंटी क्लॉकवाइज कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा, ना ही ये कोई वायर है, एक इमेजनरी लाइंस हैं, उनको क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब हम क्या करेंगे कि तीन जगहों पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए हम यहाँ पर डेरिवेशन या कहें कि कुछ फॉर्मूले बनाए। ये सेंटर हो गया सिलेंड्रिकल व्यू का, और जिस रीजन में, जिस सिलेंड्रिकल रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है, उसकी रेडियस सपोज ए है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है, उसकी रेडियस क्या है, ए। आपको मान लो सिलेंड्रिकल रीजन से बाहर कहीं इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है, कितनी बतानी है, मान लो इसके अंदर बतानी है कहीं, इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर, इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको फील्ड बतानी है, कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर, ठीक है। तो क्या करेंगे आप कि ये स्मॉल आर रेडियस का एक पहले सर्कल ऐसे बना लेंगे, राइट, ये सर्कल बना लिया, जिस जैसे अपन गॉसियन सरफेस बनाते थे, एम्पियरन लूप बनाते थे, वैसे ही मुझे यहां पर इस जगह पर क्या चाहिए, इस जगह पर मुझे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से जितनी रेडियस पर चाहिए उतनी रेडियस का एक एम्पियरन लूप बना लूं। अब दो फॉर्मूले सोचो, एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ और कुछ डिस्टेंस में था, ध्यान आ रहा है, E इक्वल टू, E को अगर ईएमएफ मान लूं तो E बोलो, या V मान लूं पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू ये था ना माइनस इंटीग्रल ई डी एस या डीएल, डीएल, ओके, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यही था। अब यहां इंड्यूस्ड है तो पहली बात तो ये माइनस नहीं होगा, ठीक है, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपोजिट है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर मैं बात करूंगा, यहां लिख देता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ क्यों, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो गए हो रहा है तो कौन आ गया, फैराडे आ गए, और फैराडे ने क्या कहा कि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ यहां आ रहा है ईएस मान लेते हैं, इंड्यूस ईएमएफ, ये इंड्यूस ईएमएफ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ईएमएफ है वो तो सेम ही होगा, तो यहां ईएस को लिख सकते हैं जैसे यहां लिखा था माइनस में, यहां प्लस में आएगा, इंटीग्रल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसमें ईएन लिख दिया, ईएन मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल लिख सकते हैं, ई एम एफ इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ई क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एल वो ये छोटा सा जो सर्कल बनाया था ये आर रेडियस का, उसका एक छोटा क्या है, एलिमेंट है डी एल लेंथ का। अच्छा,
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे से भी निकाल सकते हैं। फैराडे क्या कहते हैं बोलो? माइनस डी फाई ओवर डीटी, माइनस डी फाई ओवर डीटी। ओके, डी फाई ओवर डीटी, फाई को क्या लिख सकते हो? बी ए लिख सकते हैं। इसमें कॉस थीटा इसलिए नहीं देते क्योंकि घुमा तो रहे नहीं है हम उसको, ना ही कोई कॉइल वॉयल है इसमें, तो ओनली फाई इक्वल टू बी ए ले लिया। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ, और वैसे भी जो एंगल बनेगा नॉर्मल से वो जीरो बनेगा, कॉस जीरो वन हो गया। इसमें क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है क्या, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो एरिया को बाहर ले लो, माइनस ए डी वी ओवर डी टी। तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इससे निकला, एक इससे निकला, दोनों होंगे तो बराबर, दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो इंटीग्रल ई डॉट डी एल बराबर कितना? माइनस ए डी बी ओवर डी टी लिख सकते हैं। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो ई डी एल कॉस थीटा आएगा, और इसमें भी थीटा जीरो नॉर्मल से ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो बनेगा ई डी एल, ई और डी एल की इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन रही है इस प्लेन में? ये बन रही हैं, और डी एल जो है वो भी कैसा है? उसी प्लेन में पैरेलल हैं दोनों, डी एल ये रहा, और इसी प्लेन में क्या बन रही है? सर्कुलर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या है? जीरो डिग्री। तो जीरो डिग्री मतलब कॉस जीरो वन, तो इसको सिंपल ई डी एल लिख सकते हैं। तो ई इंड्यूस्ड इनटू इंटीग्रल डी एल, बताओ जरा इंटीग्रल डी एल को क्या लिखूं? डी एल कौन है? ये जो हमने डॉट डॉट लाइन बनाई है इसकी सर्कमफ्रेंस, मतलब जिस जहां पर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, जहां पर हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस रेडियस की सर्कल की सर्कमफ्रेंस, तो यहां आ जाएगी टू पाई आर बराबर माइनस एरिया किसका? इसी सर्कल के अंदर फैली हुई मैग्नेटिक फील्ड, इसी आर रेडियस के सर्कल के अंदर फैली हुई मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कितना होगा? वो भी पाई आर स्क्वायर, तो हो गया पाई आर स्क्वायर डी बी ओवर डी टी। तो देखो आर से आर उड़ा दो, पाई से पाई भी उड़ा दो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? माइनस आर बाई टू डी बी ओवर डी टी बन गया ये फार्मूला। अगर हमें इस सिलेंड्रिकल व्यू के अंदर, इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, और वो टाइम के साथ चेंज होने की रेट दी है डी वी ओवर डी टी, तो हम इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी उसकी इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, माइनस आर बाई टू डी बी ओवर डी टी। क्लियर हो गई बात? अब मान लो हमें बाहर निकालना है, अच्छा मान लीजिए सरफेस पे ही निकालना है, इसके सिलेंड्रिकल सरफेस पर, तो इसकी रेडियस ए है तो टू पाई ए, पाई ए स्क्वायर, ए से एक उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया, बस ए बाई टू आ जाएगा। ठीक है, और ए सेंटर से उस सरफेस तक की डिस्टेंस है आ जाएगा। तो इस एक तो ये पहला फॉर्मूला बन गया, ये दो बना, चलिए ये स्टार यहाँ पर लगा लेते हैं, पहला स्टार। दूसरा फार्मूला कहाँ पर? एट सरफेस क्या हो जाएगा? इंड्यूस, आई एन का मतलब इंड्यूस है, इनसाइड नहीं है, ध्यान देना। क्या हो गया बोलो? माइनस ए बाई टू डी बी ओवर डी टी, ए रेडियस है। अब जरा बाहर निकाल, इधर कहीं पर बाहर, तो बाहर के लिए कोई डिस्टेंस मान ली जाए, क्या मान लें डिस्टेंस? एक्स मान लें, ओके डी मान लें, ओके कोई डी कह रहा है तो डी मान लेते हैं। बोलो आउटसाइड, इधर रेडियस, डी रेडियस का क्या बनाना पड़ेगा? एक सर्कल बनाना पड़ेगा। चलो ई इंड्यूस वो भी कहां पर? आउटसाइड। बोलो कितना आएगा? ई इंटू इंटू कितना? इंटू टू पाई आर आ रहा था, तो इसमें क्या आएगा?
2 pi d, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर माइनस एरिया कौन सा इस d रेडियस के अंदर, कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो पाई ए स्क्वायर में है, पाई डी स्क्वायर में थोड़ी ना है, ठीक है, तो पाई ए स्क्वायर और इधर कितना डी बी ओवर डी टी, तो बोलो क्या उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया, ई आउटसाइड कितनी आई माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू डी, ये आ रहा है, और डी बी ओवर डी टी, ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड आ जाएगी, ठीक है, तो ये कहानी है। अब इसमें ये कैसे कर्व बना रही हैं, क्लोज कर्व बना रही हैं, अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे, सबसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा, आईआईटी से सीधा उठा लेगा तो ये बन जाएगा कि ये ग्राफ दे देगा और कहेगा कि इनमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं, तो सर्कल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, ठीक है, फिर या तो सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा कि ऐसा व्यू दे देगा और बोलेगा कि इससे अंदर कितनी फील्ड होगी, तो माइनस आर बाई टू डी वी ओवर डी टी होगी, बाहर पूछ लेगा सीधा फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक है, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी पूछ लेगा, ये जो फील्ड बनती है ये क्या कंजर्वेटिव होती है, नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव थी, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, ये भी इसमें डिफरेंस है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हुई है, ये कैसी होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है, तो ये कुछ पॉइंट्स अभी मैं बता दूंगा, आपको लिखवा दूंगा, ये नोट कर लो, लिखवा दें तो लिखो, इट इज नॉन कंजर्वेटिव, ये फील्ड कैसी होती है, इट इज नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैसी होती है, नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो क्या होगा, वो क्लोज सर्कल बनाएंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लें, इट्स फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर क्लोज्ड कर्व्स, इट्स फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर क्लोज्ड कर्व, सर्कुलर क्लोज्ड कर्व, चलिए अब फिर से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर आ जाएं। ईएमआई में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल और एक तरह से न्यूमेरिकल, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे इसमें पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहां एक ये रिंग है, कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है, कैसी रिंग है, कंडक्टिंग रिंग, इस रिंग के अंदर, इस रिंग को ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दिया है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल पकड़ के हम बैठे हुए हैं ऐसे, और ऊपर से इसमें एक छोटी सी बार मैग्नेट इस रिंग के अंदर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ठीक गिरा रहे हैं इसके अंदर, तो अगर ये रिंग नहीं होती तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरती, जी एक्सेलरेशन से नीचे आती, ठीक है, लेकिन रिंग है तो इसके अंदर जब वो गिरेगी तो गिरते समय या इसके अंदर एंटर करते समय या बाहर निकलते समय जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो जी से कम होगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ए लेस देन जी होगा, इसी को सोचें कैसे होगा, देखो जैसे ये इसके पास में आएगी तो इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं नॉर्थ से दूर जाने वाली वो क्या होगी, इसके अंदर एंटर करेंगी, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, इस रिंग से एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो जाए होता है तो फैराडे आ जाते हैं, क्या कहते हैं कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो उसकी जो करंट बनेगी क्लोज कर्व है, तो फिर इसमें करंट भी बन रही है तो फिर कौन आ जाता है, लेंज आ जाते हैं, तो लेंज क्या बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट,
तो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरह से बताते हैं कि अगर ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो ऊपर से देखने पर, इस नॉर्थ की तरफ से ही देखने पर, इधर से ही अगर हम इसको देखें तो ये हमें कैसा दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखती है। मतलब ये पोल भी कैसा बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। तो जब ये नॉर्थ पोल बनेगा ये वाला एंड, तो नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जब रिपल्शन होगा तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी रहेगा क्या, वो फ्री फॉल होगा क्या, फ्री फॉल तो नहीं होगा। वो रिंग ऊपर उसको रिपेल भी कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ए लेस देन जी। अब जैसे ये एंटर करके बाहर निकल जाएगी तो ये वाला पोल एस हो गया, ये एन हो गया। जब दूर जा रही है तो लेंज फिर कहते हैं कि अगर ये साउथ दूर जा रहा है तो फिर क्या बनेगा इसके अंदर, यहां से साउथ से देखने पर, ऊपर की तरफ देखने पर, अब इधर से देख रहे हैं साउथ, इसी पोल से देख रहे हैं, तो क्या बनेगा, नॉर्थ। तो ये साउथ जब दूर जा रहा है तब भी इधर नॉर्थ बना, और नॉर्थ पास्ट में आ रहा था तब भी नॉर्थ बना। तो जब ये नॉर्थ बनेगा तो ये साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ऊपर। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या ये फ्रीली गिरने देगा इसको, नहीं। तो एंटर करते समय और बाहर निकलते समय दोनों केसेस में क्या होगा, ए लेस देन जी होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड, नोट करते चलो साथ साथ, ए लेस देन इसमें जी होगा। यही रिंग है, यही मैग्नेट है, एन और एस, बस इस रिंग को कट कर दिया इधर, अब इसमें ए बराबर कितना, लेस देन जी, ग्रेटर देन जी, इक्वल टू जी। अब इसमें ए इक्वल टू जी, क्योंकि अगर रिंग को कट कर दिया तो केबल फेराडे आएंगे, लेंज नहीं आएंगे, क्योंकि यहां लेंज का काम खत्म हो गया। यहां पर फेराडे ने कहा कि इसमें ईएमएफ तो डेवलप होगा लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि सर्किट ओपन है, इसलिए ये अपोज नहीं कर पाएगी इसका। तो ए इक्वल टू जी ही होगा, फ्री फॉल होगा ये। लेकिन यहां ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बनेगा, नॉट जीरो, लेकिन करंट इंड्यूस्ड होगी वो जीरो है। इसमें ईएमएफ भी बनेगा, ई नॉट जीरो, और करंट भी नॉट जीरो, करंट भी बन रही है, दोनों बनेंगे। तीसरा, एक रिंग है, एक और रिंग है, एक मैग्नेट है, एक और मैग्नेट है, ये कॉपर की है, ये ब्रास की रिंग है। किसका अपोजिशन सबसे ज्यादा होगा, कॉपर का, ऑब्वियसली कॉपर का, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर तो ये भी है लेकिन इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा करंट इंड्यूस होगी, ज्यादा करंट इंड्यूस होगी तो वो ज्यादा अपोज करेगी, और इसमें कम करंट इंड्यूस होगी और कम अपोज करेगी। दूसरा, ईएमएफ दोनों में सेम रहेगा क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट जो होगी कॉपर के अंदर वो क्या होगी, ज्यादा होगी इंड्यूस करंट इन ब्रास, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ ईसी इक्वल टू ईबी कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहां अपोजिशन भी ज्यादा होगा, इसमें अपोजिशन ज्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट इधर मिटा दूं, एक कंडक्टिंग सिलेंडर है, कॉपर का बना हुआ है या किसी और मटेरियल का बना हुआ है, एन और एस इसके अंदर एंटर करा रहे हैं, तो जब ये मैग्नेट इसके अंदर होती है तो एक्सेलरेशन उस मैग्नेट का क्या होगा, सोचो, लेस देन जी, ग्रेटर देन जी, मोर देन जी। क्वेश्चन ये है कि ये क्या है, एक सिलेंडर है,
कंडक्टिंग सिलेंडर है और इसमें एनएस एक छोटी सी बार मैग्नेट ड्रॉप कर रहे हैं इसके अंदर। तो जब ये अंदर पूरी तरीके से एंटर कर जाएगी सिलेंडर के अंदर मैग्नेट, तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, किसके बराबर आएगा? जी के बराबर। बोलो, चार ऑप्शन है, ए लेस देन जी, ए ग्रेटर देन जी, और ए बराबर जीरो, और पता नहीं, नन ऑफ दीज, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है। तुक्के लगा रहे हो कि सॉल्व कर रहे हो? दिमाग लगा रहे हो, तुक्का लगा रहे हो? जब ये नॉर्थ पोल इसके अंदर एंटर कर रहा होगा तो इस पूरी जो सिलेंडर है ना, इसको आप छोटी छोटे रिंग से मिलके बना हुआ मान लो। ये सिलेंडर को क्या माने? एक के ऊपर एक रिंग रखी हुई, एक रिंग है, उसके ऊपर एक और रिंग रख दो, फिर एक और रिंग रख दो, फिर एक और रिंग रख दो, रिंग रखते चले जाओ तो क्या हो जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। इधर देखो, अब ये नॉर्थ पोल इसके अंदर एंटर कर रहा है तो एक रिंग होगी, वो क्या करेगी? उसके अंदर लेंज लॉ से करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगी वो। तो ये नॉर्थ पोल है तो कौन सा बनेगा? ये नॉर्थ बनेगा एक रिंग में, नॉर्थ बनेगा तो ये अपोज करेगी तो फ्री फॉल तो होगा नहीं। तो ठीक, एंटर करते समय ए लेस देन जी होगा क्योंकि अपोजिशन हो रहा है। अब सुनो, जैसे ही ये रिंग इस, जैसे ही ये मैग्नेट इसके अंदर एंटर करती जाएगी, अब देखना ध्यान से, यहीं पर इसमें समझने का है। जैसे ही मान लो ये आपके पास एक चौक मान लेता हूँ, इसी को मैं नॉर्थ और साउथ मान लेता हूँ, जैसे ही रिंग के अंदर एंटर करेगी तो एक रिंग अपोज करेगी, एक कम हो गया, जी से कम हो गया, फिर थोड़ी और एंटर करी, दूसरी रिंग आ गई, दो रिंग अपोज करने लगी तो अपोजिशन बढ़ गया, तो जी की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू जी से और कम हो गई, फिर और अंदर एंटर करी, तीसरी रिंग आ गई, अपोजिशन और बढ़ गया तो ए की वैल्यू और कम हो गई। ऐसे जैसे जैसे ये रिंग के अंदर, ये सिलेंडर के अंदर ये पूरी मैग्नेट एंटर करती जाती है, रिंगों की नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, यानी अपोजिशन बढ़ता चला जाता है, और अपोजिशन बढ़ता चला जाता है तो मतलब एक्सेलरेशन कम होता चला जाता है, और कम होते 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 एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब ये पूरी तरीके से एंटर कर जाती है तो अपोजिशन मैक्सिमम हो जाता है, अपोजिशन मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन कम होते होते ज़ीरो हो जाता है। तो फिर वो ज़ीरो एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है, लेकिन ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब नहीं है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी कह सकते हैं। जैसे 11th में पढ़ते थे ना कि एक पार्टिकल है फ्लूइड्स में, ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो वो नीचे गिरा, तो शुरुआत में स्पीड क्या थी? जीरो। ड्रॉप कर रहे हैं तो पहले बढ़ेगी, स्पीड बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन है, लेकिन वो स्पीड बढ़ने की रेट धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना हुआ है तो कंटिन्यूस उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। एक सेकंड में अगर जी की वैल्यू मैं 10 मान लूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एवरी वन सेकंड वो कितनी बढ़ जाएगी? उसकी स्पीड 10 बढ़ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बढ़ने की रेट है। लेकिन अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड ऊपर की तरफ भी तो एक फोर्स लगा रहा है, अब थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, तो उसके कारण उसके स्पीड की बढ़ने की जो रेट है वो कम होने लगती है। जैसे पहले मान लो एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर अगले सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, फिर अगले सेकंड में बढ़ेगी तो, लेकिन वो अब कम बढ़ेगी, तो बढ़ने की रेट जो है कम हो रही है, लेकिन स्पीड बढ़ तो रही है, और बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ने की रेट जीरो हो गई, मतलब जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, अब बढ़ने की रेट जीरो हो गई, तो अब वो बढ़ नहीं रही, कॉन्स्टेंट हो गई, तो उस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से फिर वो नीचे गिरती है, उसको क्या कहते हैं? उसको टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वही बात यहाँ हो रही है कि यहाँ जब इस मैग्नेट को जस्ट ड्रॉप कर रहे थे तो क्या हो रहा था? यहाँ पर इसकी स्पीड जीरो थी, जैसे जैसे ड्रॉप किया तो स्पीड बढ़ तो रही है, वेलोसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन उसकी बढ़ने की रेट धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है, और कम होते होते जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो वो जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, अब उस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे गिरता है। तो जब तक ये सिलेंडर के अंदर मैग्नेट रहता है तब तक उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन जीरो होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो नीचे गिरती है।
वेलोसिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जा सकता है। जब ये बाहर निकलेगा तो फिर से वही ए लेस देन जी, तो एंटर करते समय ए लेस देन जी, बाहर निकलते समय ए लेस देन जी, लेकिन अंदर ए बराबर जीरो। नोट कर लीजिए किस पर नहीं। अब देखिए जनरली क्या होगा कि मैं ये बोल रहा हूं लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर का मतलब है कि जो बार मैग्नेट है उसका साइज सिलेंडर से तो बहुत छोटा ही होना चाहिए। अब आप ने मान लीजिए सिलेंडर छोटा ले लिया और वो एक किलोमीटर लंबी रॉड ले ली, तो फिर तो सोचो तो बड़ा ही सोचो एक, कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये बात क्लियर हो गई कि जैसे पहले तो यू जीरो था, ठीक है ना, एक बार और देख लें, पहले यू जीरो था लेकिन जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो यू तो बढ़ेगा, स्पीड तो बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी तो इसमें जो रिंग के अंदर इंड्यूस डीएमएफ और इंड्यूस करंट है वो भी बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, तो जब इंड्यूस करंट बढ़ेगी तो अपोजिशन बढ़ेगा, अपोजिशन बढ़ेगा तो ए लेस देन जी होता जाएगा और धीरे धीरे जी इतना अपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक्सेलरेशन घटते घटते कितना हो जाएगा जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हो टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर नोट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप भी सुन लें और फिर हम डीपीपी वन करेंगे। ऑल ईएमआई फिनोमिनन मिला तीसरा पॉइंट, ऑल ईएमआई इन ऑल ईएमआई फिनोमिनन इंड्यूस्ड डीएमएफ इज नॉन जीरो इंड्यूस्ड पैरामीटर, अंडरलाइन कर लो नॉन जीरो इंड्यूस्ड पैरामीटर। ऑल ईएमआई फिनोमिनन, अगर ईएमआई हो रहा है तो ईएमएफ तो जरूर इंड्यूस्ड होगा, मतलब नॉन जीरो इंड्यूस्ड पैरामीटर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं ईएमआई की घटना घट रही है, ईएमआई की घटना कब घटेगी जब फ्लक्स में चेंज होगा, तो कहीं ईएमआई का कॉन्सेप्ट दिया है तो 100% ईएमएफ तो डेवलप होना ही है, इसलिए बोल रहे हैं कि इन ऑल ईएमआई फिनोमिनन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉन जीरो इंड्यूस्ड पैरामीटर। इंड्यूस नॉन जीरो, जीरो नॉन जीरो लिखा है ना, नॉन जीरो इंड्यूस का मतलब है कि ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी, जीरो नहीं होगा। पैरामीटर का मतलब है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, पैरामीटर मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ये नॉन जीरो फिजिकल क्वांटिटी होती है। इंड्यूस चार्ज इन एनी कॉयल और सर्किट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये अभी बताया था, टाइम पर डिपेंड करता है क्या चार्ज, नहीं, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इन विच फ्लक्स चेंजेस अकर्स, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉयल और रिलेटिव स्पीड ऑफ कॉयल मैग्नेट सिस्टम। तो रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पर डिपेंड नहीं करता, किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता, बस चेंज पर डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है, इंड्यूस चार्ज डिपेंड्स ऑन चेंज इन फ्लक्स, ओनली चेंज इन फ्लक्स, अंडरलाइन कर लेना, थ्रू द कॉयल एंड नेचर ऑफ कॉयल, नेचर ऑफ कॉयल पर डिपेंड करता है क्योंकि वो आर आता है ना नीचे 1/R d∅, तो आर मतलब नेचर रेजिस्टेंस। इसके बाद है, ये तो यूनिट वगैरह तो याद कर लेना, कुछ कॉन्सेप्ट और दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द डायरेक्शन क्वेश्चन। पहला, फ्लक्स चेंज होगा तो कौन आ जाएगा, फैराडे, फैराडे कॉन्सेप्ट। अपोजिशन ऑफ फ्लक्स चेंज कौन आ जाएगा, लेंज। अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है और तो आ गया फैराडे, और फ्लक्स में चेंज होने का अपोज करना है तो बोलेंगे लेंज। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स चेंज, अपोजिशन ऑफ फ्लक्स चेंज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सर्किट,
एंड बाय एक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अपोजिशन किस में हो सकता है? जब सर्किट क्लोज होगा। सर्किट ओपन है तो ईएमएफ बनेगा, अपोजिशन होगा नहीं। अगला पॉइंट, ईएमआई इन ओपन सर्किट क्या बनेगा? ईएमआई इन ओपन सर्किट में ओनली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमआई इन क्लोज सर्किट इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, इंड्यूस करंट भी होगी और इंड्यूस चार्ज भी होगा, तीनों होंगे। ओपन में ओनली ईएमएफ और क्लोज में तीनों। अब आ जाओ, ये लिखा हुआ है ना अगले पेज पर। नाउ सॉल्व डीपीपी वन। अब डीपीपी वन ढूंढो कहीं है, लास्ट में होगी। डीपीपी वन में एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात क्वेश्चन दिए हैं। पेज नंबर 28 29 पर होगी। देखो नंबर फर्स्ट हो गया है, फिर भी पढ़ के सुना देता हूं। डीपीपी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्लक्स लिंक्ड थ्रू फॉलोइंग कॉइल्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन फॉर विच ऑफ विच कॉइल एन ईएमएफ इज नॉट इंड्यूस्ड। पहला ऑप्शन कॉपर कॉइल दिया है, दूसरा वुड कॉइल दिया है, तीसरा आयरन कॉइल दिया है, चौथा नन दिया है। तो आप ये जानते हैं ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, मतलब मटेरियल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कॉपर कॉइल इंड्यूस होगा, क्योंकि वुड कॉइल इन्फेनाइट रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करते ही नहीं है। आयरन कॉइल इसमें भी इंड्यूस्ड होगा, मतलब मटेरियल पर या रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इन सब पर ही, इन सब के अंदर ही दो पॉइंट के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसलिए आंसर होगा नन। आपको कन्फ्यूजन केवल वुड में हो सकता है, या कोई प्लास्टिक की कॉइल ले ली, या जो है वायर ले लिया प्लास्टिक का या वुड का, तो लगेगा कि इसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब उसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा। ईएमएफ तो बनेगा, ईएमएफ, ईएमएफ केवल किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, इस पर डिपेंड करता है। फैराडे कहते हैं कि अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो मटेरियल कुछ भी हो, उस कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ भी हो, ईएमएफ जरूर बनेगा, राइट? नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है अ कॉइल एंड अ मैग्नेट, कॉइल एंड अ मैग्नेट मूव्स विद देयर कांस्टेंट स्पीड्स 5 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब एक मैग्नेट, एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, ये इसकी तरफ चल रही है V1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड और ये इसकी तरफ आ रही है 3 मीटर पर सेकंड V2 से। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इंड्यूस ईएमएफ इस केस में E1 है 16 मिली वोल्ट, ये क्वेश्चन में बोला 16 मिली वोल्ट। अब वो कहता है कि अगर दोनों, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले V1 और V2 NS, अलग अलग वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चलें, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? अब बताओ इंड्यूस ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है? रिलेटिव स्पीड पर, ठीक है ना? दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कैसा है, उसी पे तो डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ डिपेंड करता है रिलेटिव स्पीड पर या रिलेटिव वेलोसिटी पर, VR। तो इसको ऐसा कर लें, E2 बाई E1 डिवाइड बाय VR2 डिवाइड बाय VR1। E2 बाय E1 कितना दिया है? 16 मिली वोल्ट। VR2 का मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी इन सेकंड केस, रिलेटिव वेलोसिटी सेकंड केस, आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो, आगे 11th में आप 11th पोर्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, वैसे पढ़ के आए हो तो मालूम है कि सेम डायरेक्शन में जब चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? माइनस करके, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है।
तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, माइनस इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 5 - 3 गया 2, और अच्छा ये है 2, वी आर वन पहला अपोजिट डायरेक्शन में है तो 8, ठीक है, ऐड हो जाएगी, बस 8 × 2 = 16 और ये 4 हो गया, E2 = 4, 4 मिली बोल्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्या रहा है, थर्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन वेबर लिंक्ड विद क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है सर्किट का 10 ओम, ठीक है, वेरीज विद टाइम टी एज फ्लक्स फाई इक्वल टू गिवन है 5t² - 4t + 1, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है एट टी इक्वल टू कितना 0.02 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है ये, वार्म अप एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है, बोलो ईएमएफ क्या होता है, -d∅/dt। ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा, तो रेजिस्टेंस तो हमारे लिए यूजलेस है, करंट निकालोगे तो रेजिस्टेंस लेंगे, ईएमएफ डिफरेंशिएट करो इसका, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में करो, क्या हो जाएगा 5 × 10t माइनस 4t का 1 हो जाएगा, 1 का 0, माइनस 10t की वैल्यू कितनी है 0.02 माइनस 4, सॉल्व कर लो, 0.02 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.2 आ जाएगा, 2 प्लस का 2, 2 बोल्ट, मिली बोल्ट है, बोल्ट है, बोल्ट 2 बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, वो तो गया है थर्ड, अब 4th है, अच्छा उसका आंसर बता रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉयल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ग्राफ। देखिए क्वेश्चन में दिया फ्लक्स का टाइम के साथ ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, और उसने बोला कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा, किसके बीच में, इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ। तो एक काम करते हैं, ईएमएफ और फ्लक्स में क्या रिलेशन है, बोलो E = -d∅/dt। एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, ये 3 पार्ट हो गए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इन तीनों में देखते हैं, इस पार्ट में देखें तो यहाँ जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टाइम है कि नहीं है, तो इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो d∅/dt ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन बीच में यहाँ आके माइनस लगा हुआ है तो ईएमएफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो d∅/dt ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी और प्लस माइनस माइनस तो ईएमएफ नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा वो भी कॉन्स्टेंट आएगा, क्यों, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, तो ये फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, ध्यान देना फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, तो फाई इक्वल टू kt लिख दूं, कॉन्स्टेंट कोई, अब जब इसका डिफरेंशियल करोगे kt का तो k रह जाएगा, और k क्या है, कॉन्स्टेंट, मतलब ईएमएफ कॉन्स्टेंट आया लेकिन नेगेटिव आया, तो कॉन्स्टेंट लेकिन नेगेटिव, तो ऐसा हो जाएगा इस पार्ट में, नेगेटिव है लेकिन कॉन्स्टेंट है। अब इस पार्ट में देखो जरा, इस पार्ट में फ्लक्स ही कांस्टेंट है, फ्लक्स क्या है, चेंज हो रहा है क्या, फ्लक्स कांस्टेंट है, जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो फेराडे गायब हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, ईएमआई नहीं बनेगा, ईएमआई नहीं बनेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, तो 0 बना दिया यहां से यहां तक। अब आगे बढ़े, फ्लक्स डिक्रीज होने लगा, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो फाई कम हो रहा है तो d∅/dt नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, इसलिए एक ग्राफ बनेगा इतना ऊपर, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ये कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। यस, क्वेश्चन नंबर 5th, फिफ्थ
फिफ्थ में द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉयल हैविंग 50 टर्न, सर्कुलर कॉयल के टर्न कितने हैं 50, तो ये 50 टर्न लिख दिए एन इक्वल टू 50, उस सर्कुलर कॉयल की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पर कॉयल है और मैग्नेटिक फील्ड के कैसी है ये परपेंडिकुलर इसका प्लेन है राइट, तो क्रॉस या डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड रही होगी। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम 2 टेस्ला टू 4 टेस्ला, B1 इक्वल टू 2 टेस्ला फिर चेंज हो गई, B2 इक्वल टू कितना 4 टेस्ला, कितने टाइम में T इक्वल टू 3.14 सेकंड में चेंज हो गई है, तो बताइए EMF इंड्यूस्ड कितना होगा, क्या होता है EMF माइनस d phi ओवर dt, phi को क्या लिख दूं BA, ठीक है cos थीटा में थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि इस कॉइल का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 बनेगा ठीक है। चलिए तो फाइव ये अब इसको ए बाहर निकाल लो, ए बाहर है यहाँ ए डी बी ओवर डी टी आ जाएगा, ए को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर क्योंकि सर्कुलर कॉयल है, डी बी ओवर डी टी का मतलब है फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बी टू माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, लिख सकते हैं डी बी ओवर डी टी, ये इसमें इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं हो रहा डी बी ओवर डी टी कि आपको डिफरेंशियल करना पड़े, डी बी का मतलब है चेंज इन बी, तो चेंज इन बी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डी टी, डी टी का मतलब टाइम, अगर यहाँ पे कोई इक्वेशन दी होती तो फिर डिफरेंशियल करके निकालते इंस्टेंटेनियस चेंज निकालते, अब वैल्यू पुट कर दो बस, माइनस पाई की वैल्यू 3.14 होती है सब जानते हैं, आर की वैल्यू 2 × 10⁻²⁻ का स्क्वायर कर दें क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर था तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ब्रैकेट b2 है 4, b1 2 डिवाइड बाय टाइम कितना 3.14 से 3.14 उड़ा दो, सॉल्व करो कितना आया 0.04 वोल्ट, मिटा दूं हाँ n रह गया क्या, तभी तो 0.04 आ रहा होगा, n रखना पड़ेगा, n रख दो यहाँ, n लिख दो इधर, n लिख दो, n से मल्टीप्लाई कर दो बस लास्ट में, कितना है 50 है ना बस, तभी तो आएगा, तभी 0.04 आएगा। यस क्वेश्चन नंबर 6, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.02 टेस्ला विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, मिटा दूं इसको, 6 में बोला एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप हो गया इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल टू कितना है 0.02 टेस्ला विद प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, इसका प्लेन है वो नॉर्मल टू द फील्ड है मतलब क्रॉस टाइप फील्ड रहेगी उसमें, ये ऐसे कोई सर्कुलर लूप रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, इसकी जो रेडियस है वो श्रिंक हो रही है, कम हो रही है, और किस रेट से कम हो रही है dr/dt वो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से कम हो रही है, एक सेकेंड में 1 मिलीमीटर कम हो जाती है तो श्रिंक हो रही है dr/dt गिवन है। फिर उसने कहा देन इंड्यूस EMF इन द लूप एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस बिकम्स 2 सेंटीमीटर, ये श्रिंक होते होते जब रेडियस 2 सेंटीमीटर बचे तो उस समय EMF इंड्यूस्ड कितना है, ये क्वेश्चन है ठीक है। तो EMF इंड्यूस निकालना है, EMF क्या होता है, एरिया चेंज होगा रेडियस अगर चेंज होगी तो, जब एरिया चेंज होगा तो क्या लगाएं, बी तो बाहर निकाल लें, डी ए मतलब पाई आर स्क्वायर बाय डी टी ऐसे ही कर सकते हैं, माइनस बी बना रहने दो, पाई भी बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, टी हो जाएगा कितना 2r, आर स्क्वायर का 2r हुआ, फिर r का भी करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो dr बाय dt करते हैं ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन आर स्क्वायर, जिनको अगर डिफरेंशियल नहीं पता हो तो वो ऐप में जाना, आपके लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि जिस समय जो समझ में नहीं आए तुरंत देख लो उसको ठीक है ना, तो अगर ये डिफरेंशियल समझ में नहीं आए तो आप सीधे ऐप पर जाओ आज ही और उस पर
वीडियो कोर्स में ढूंढो बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ में 9 वीडियो दिए हुए हैं और वो छोटे छोटे पार्ट में है, 15-15 मिनट के, आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए छोटे पार्ट कर दिए आपको। बेसिक मैथ में डिफरेंशियल नहीं समझ में आ रहा है तो 15 मिनट डिफरेंशियल देख लो, आपको इंटीग्रल समझ में नहीं आ रहा 15 मिनट इंटीग्रेशन देख लो, बैक ठीक है ना, वेक्टर समझ में नहीं आ रहा तो एक फुल कोर्स है 4 घंटे का, तो वो भी उसमें वेक्टर वेक्टर वाले पार्ट में है, 4 घंटे की फुल क्लास है, तो 4 घंटे देखोगे तो वेक्टर में परफेक्ट हो जाओगे। तो माइनस बी पाई 2r क्या आ गया, डी आर अपॉन डी टी। अब वैल्यू पुट करें, बोलो माइनस बी कितना, 0.02, पाई की वैल्यू 3.14, 2r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻², डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना, माइनस लिखूं या प्लस लिखूं इसको, -1 मिलीमीटर पर सेकेंड लिखूं या प्लस लिखूं, माइनस, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, श्रिंक हो रही है, तो रेडियस कम हो रही है ना, तो रेडियस कम हो रही है तो उसकी रेट नेगेटिव आएगी, डी आर अपॉन डी टी नेगेटिव आएगी, तो माइनस 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, बस माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉल्व कर लो इसे, बोलो क्या आया, कितना आया, 2.5 × 10⁻⁶, ये आ रहा है, मतलब आ जाएगा 2.5 माइक्रो वोल्ट। अब इसमें अगर कहीं -2.5 माइक्रो वोल्ट दिया हो तो प्लस वाला लगाना, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो चुका। क्वेश्चन 7th, कितना आ रहा है, 0.32 एम्पियर, 32 तो नहीं आ रहा, 0.32 आ रहा है, चलो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.4 टेस्ला पर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7th में, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.4 टेस्ला पर सेकेंड, तो डीबी ओवर डीटी क्या दिया हुआ है, 0.4 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है। इन ए स्क्वायर कॉयल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर कॉयल है, इसकी साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, कैप्ट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, वही परपेंडिकुलर रखा है तो मान लो क्रॉस या डॉट फील्ड में रखा है तो एंगल तो यहां 0 ही बनेगा, थीटा बराबर 0, कॉस 0 1 हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस 2 × 10⁻³, इस कॉइल का रेजिस्टेंस है 2 × 10⁻³ ओम, पूछा क्या है बोलो, इंड्यूस करेंट आई इक्वल टू क्या होता है, ई वाई आर, केवल मैग्नीट्यूड लें, ई में क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, डीबी ओवर डीटी है, एरिया चेंज हो नहीं रहा है, चेंज कौन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो E इक्वल टू क्या लेते हो, माइनस डी फाई ओवर डी टी, माइनस हटा दो क्योंकि हम करंट में केवल मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, तो क्या लेंगे, डी फाई अपॉन डी टी को, फाई को बी है, एरिया कांस्टेंट तो ए बाहर आ गया, डी बी ओवर डी टी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, एरिया कितना होगा इसका, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर हो गया 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया, डीबी ओवर डीटी 0.4 टेस्ला पर सेकंड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 2 × 10⁻³, सॉल्व करो कितना आया, 0.32, यही आ रहा है सबका, 0.32 एम्पियर। ईएमआई कब प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज, नो ईएमआई, दो केस में नहीं होता है, जब फ्लक्स जीरो हो या फ्लक्स कैसा हो, हो तो लेकिन कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, फ्लक्स ही नहीं है तो चेंज होने नहीं, फ्लक्स कांस्टेंट है तब भी चेंज नहीं हो रहा, जब फ्लक्स में चेंज होगा तभी ईएमआई बनेगा। अब कुछ केसेस तो हम पढ़ चुके थे, जैसे एक केस मैंने आपको बताया था कि एक जैसे वायर है और ये वायर जो है कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि एक सर्कल के सेंटर से इसके परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ जा रहा है और इसमें करंट है। अब इसमें जो करंट है वो या तो बढ़ रही है या कम हो रही है या कांस्टेंट है,
या तो बढ़ना या घटना और कांस्टेंट होना, तीनों ही केस में ये जो कॉइल है इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी? ऐसी होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं डिफरेंट कलर से बना दूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बोलो, ऐसी सर्कल में बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड बन रही हैं कौन सी डायरेक्शन में? ऐसे, इधर तो डॉट इधर क्रॉस, ये डॉट मतलब बाहर निकलेंगे और ये क्रॉस मतलब अंदर जाएंगे। तो ये जो फील्ड लाइन्स हैं इसी कॉइल के ही प्लेन में, ये फील्ड लाइन्स कहाँ पर हैं? इसी कॉइल के प्लेन में। जब दोनों सेम प्लेन में होंगे तो उसके अंदर क्रॉस करती हुई जा ही नहीं रही हैं, उसको कट करती हुई नहीं जा रही हैं, इसलिए इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा, भले ही करंट बढ़ती रहे, कम होती रहे या कांस्टेंट हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ रही है, कम हो रही है, लेकिन जो बढ़ती हुई फील्ड या घटती हुई फील्ड है वो इस कॉइल से लिंक्ड नहीं है, इस कॉइल के अंदर से नहीं जा रही, उसी प्लेन में है सब। दोनों कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम प्लेन में है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, तो फिर EMF इंड्यूस नहीं होता, EMI का केस नहीं हुआ ये। सेकंड, मान लीजिए एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक वायर रख दिया ऐसा, इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी सर्कुलर, बोलो, यही बनेगी ना इसके अंदर। तो इस सिलेंडर का जो एरिया है ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो भी कैसे हैं? सेम प्लेन में है। इस सिलेंडर का सर्कुलर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे आ गई? सेम प्लेन में। मतलब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम प्लेन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड बड़े ही चेंज हो रही हो, वो उससे एरिया से लिंक्ड नहीं होगी, इसलिए EMI नहीं होगा। इसमें भी नो EMI का केस आ गया। एक और दिया हुआ है, सब ये नोट्स में दिया हुआ है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, आप देख लो केवल। थर्ड है कि एक हमारे पास ये मैग्नेट है SN, ये कॉयल है। अब दोनों को सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, इसलिए नो EMI। ठीक है, दो कॉयल हैं फोर्थ पॉइंट में और दोनों कॉयल को मूव करा रहे हैं, एक में तो करंट फ्लो हो रही है और दूसरे में करंट फ्लो नहीं हो रही, तो हम चाहते हैं कि इसमें भी कुछ करंट बन जाए, लेकिन अगर हम दोनों को सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो EMI नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन जीरो है, इसलिए यहां पर नेट EMF बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद एक और है फिफ्थ। एक मेरे पास ये मैग्नेट है SN और इसके सामने एक कॉइल रख दी, लेकिन कॉइल को हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे घुमा रहे हैं, समझ रहे हो? ये मैग्नेट है और इस ये मैग्नेट फिक्स है, ये कॉइल अपनी जगह पर फिक्स है लेकिन अपनी जगह पर रहते हुए रोटेट हो रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो घूमती रहे उसे क्या फर्क पड़ना है? इससे जितनी लाइंस जा रही थी उतनी फिक्स रहेंगी। मान लो N के कारण ऐसी लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर एंटर कर रही हैं और एक दो तीन चार लाइन जा रही हैं मान लीजिए, और ये अपनी जगह पर ही रोटेट होती रहे, तो उसके अंदर से जो जाने वाली लाइन है वो फिक्स रही, तो मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, तो इसमें भी EMI नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर दो कॉइल ले लें सिक्स्थ पॉइंट में, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है और एक में करंट जा रही है, और इनको भी हम अपनी जगह पर ही रोटेट कराएं, तो भी EMI नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स लिंक नहीं होगा, राइट? फ्लक्स लिंक उसमें मतलब चेंज नहीं होगा। सेवंथ जो कि इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए यहां पर ऐसे क्रॉस या डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड है और ये बहुत बड़े रीजन में ये फील्ड फैली हुई है। जब ये बहुत बड़े रीजन में फैली हुई है और एक रेक्टेंगुलर कोई कॉइल हमने ले ली या कोई हमने स्क्वायर कॉइल ले ली और या कोई भी क्लोज कॉइल ले ली, अब इसको हम इधर कांस्टेंट वेलोसिटी वी से अंदर मूव करा रहे हैं, तो जितने क्रॉस
इसके अंदर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लीजिए, तो जब इधर खिसकाएंगे तो 2 क्रॉस इधर से कम होंगे तो 2 एंटर कर जाएंगे, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड में आप इसको मूव करा रहे हो तब भी इस पूरी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉइल से नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं, तो फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो क्रॉस तो उतने ही बने रहेंगे ना, 2 इधर से कम हुई तो 2 इधर जुड़ भी तो गए, तो नंबर ऑफ लाइंस चेंज नहीं हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, इसलिए इस कॉइल से EMI का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, नो EMI का केस हो गया। एक और है, जैसे ये क्रॉस फील्ड है या डॉट फील्ड रही होती, एक में मान लो डॉट फील्ड है ये, अब इस डॉट फील्ड में एक कॉइल ली, इस कॉइल को ऐसे ही घुमा रहे हैं ओमेगा वेलोसिटी, ऐसे डॉट फील्ड में रख दी, अपनी जगह पे ही घुमा रहे हैं, यूं घुमा रहे हैं, तो अभी भी मान लो इसके अंदर से बाहर निकल रहे हैं 50 डॉट बाहर निकल रहे हैं और वो ऐसे घूम रही है अपनी एक्सिस पर ही, तो 50 ही बाहर निकलेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा क्या? नहीं, तो इसमें EMI नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, इसको अगर ऐसे घुमाओगे डायमीटर के अलोंग तो फ्लक्स को काटता हुआ घूमेगा, तो फ्लक्स को जब काटता हुआ घूमेगा तो EMI बनेगा, वो केस अलग है, वो आगे अगले टर्न पर करेंगे, अभी तो अपनी जगह पे ऐसे घुमा रहे, तो उससे निकलने वाले जो लाइंस हैं वो कांस्टेंट बनी हुई हैं। ये मैं बता रहा हूँ, एक एक लाइन लिखी है, आप ढंग से घर पे पढ़ लेना इसको नोट्स को। एक पॉइंट और है, मान लीजिए कि 2 कॉइल है हमारे पास, एक कॉइल ये है एक कॉइल ये है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, एक कॉइल हॉरिजॉन्टल है और दूसरी वर्टिकल है, एक कॉइल में करंट फ्लो हो रही है तो क्या, और वो करंट मान लीजिए चेंज हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, तो क्या दूसरी कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होगा? क्योंकि करंट अगर हॉरिजॉन्टल वाली कॉइल में फ्लो हो रही है और वो बढ़ती हुई है और ये इसी डायरेक्शन में मान लूँ तो राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो ऐसी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी? ऊपर बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो किस में आ गई? इस कॉइल के प्लेन में आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइन बनेंगी और वो बहुत सारी लाइंस पैरेलल होंगी और ये बहुत सारी लाइन इस कॉइल के एरिया के ही प्लेन में है, तो अगर करंट बढ़ रही है तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो बढ़ रही हैं लेकिन वो बढ़ती हुई लाइन इसके प्लेन में है, इसको क्रॉस करती हुई नहीं जा रही हैं, इसलिए अभी भी इसमें EMF 0 होगा। अब इसका उल्टा मान लो, मान लीजिए वर्टिकल कॉइल जो है उसमें करंट फ्लो हो रही हो तो क्या हॉरिजॉन्टल में EMF बनेगा या इंड्यूस करंट बनेगी? नहीं, क्योंकि इसकी फील्ड लोगे, मान लो ऐसी करंट जा रही है तो इस तरह से, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के पैरेलल आ जाएंगी। तो अगर 2 कॉइल परपेंडिकुलर हैं और एक में करंट बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसका फ्लक्स दूसरी कॉइल से एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक है, तो ये नो EMI का केस हो गया। तो ये इतने पॉइंट हैं, इनको एक बार और पढ़ लेना, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना, अगले टर्न पर हम दोनों बढ़े तब भी एक दूसरे से तो उनका फ्लक्स लिंक हो नहीं रहा। अब सेल्फ इंडक्शन नेक्स्ट टर्न पर स्टार्ट करेंगे।